Hello friends, and a very good morning to all of you. So here we are on a very important topic that plays an important role in your examination. जब हम ग्रामर की बात करते हैं तो देखो पहले तो वी वर डेफिनेट कि ग्रामर सिर्फ एग्जामिनेशन में कितने मार्क्स का आएगा, दिस विल कम ओनली फॉर 10 मार्क्स, राइट? पहले ये चीज थी, बट विद IBPS वी कैन से दिस कैन कम फॉर 20 मार्क्स एज वेल. सो यू कैन से 10 टू 15 मार्क्स तो हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं. And this 10 to 15 marks nobody can take from you, right? ये 10 से 15 number आपसे कोई भी नहीं लेके जा सकता. And for this reason, if you want कि आप 10 to 15 marks अगर लेके आ जाए, there are certain rules. वैसे तो हर बात करें हर chapter की, तो हर chapter में you get around 100 rules, right? But each and every rule is not important. वो हर 100 rules important नहीं है. आपको हर 100 rule को पढ़ना नहीं है. अगर आप ये सोचते हो कि एवरी 100 रूल्स में सारे याद कर लूं और फिर मैं एग्जामिनेशन देने जाऊं तो मेरे क्लियर हो जाएगा, नहीं. क्यों? क्योंकि सारे रूल्स इंपॉर्टेंट होते ही नहीं है, राइट? ये मैंने आपको कल भी बताया था कि एवरी रूल इज नॉट इंपॉर्टेंट एज पर योर एग्जामिनेशन. सारे एग्जामिनेशन में हर रूल नहीं पूछा जाता है. तो वी हैव सर्टन रूल्स, आर 20 मस्ट नो रूल्स. बाकी तो आपको आने चाहिए, लेकिन ये जरूर पता होना चाहिए, मस्ट नो रूल्स ऑफ ग्रामर, इफ यू आर अपियरिंग फॉर एनी एग्जामिनेशन. ठीक है, अगर आप कोई भी एग्जामिनेशन देने की सोच रहे हैं तो आपको इतना समझना है कि ये 20 रूल आपको पता ही होने चाहिए. ठीक है, जिसको पता होगा वो मेरी हेल्प करेगा, जिसको नहीं पता होगा वो आंसर करेगा. ठीक है, चलो. When we talk about persons, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? सबसे पहले हम बात करते हैं, सपोज करो, personification, and that comes from noun. ठीक है, अगर हम noun के chapter की सबसे पहले बात करें तो noun के chapter में बहुत ज्यादा important rules नहीं है. Okay? चलो ठीक है, पर्सोनिफिकेशन नाउन के चैप्टर में बहुत ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पर्सोनिफिकेशन का जो पार्ट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेन आई से पर्सोनिफिकेशन, इसका मतलब क्या होता है? जब भी सेंटेंस में कुछ ऐसा यूज होगा जहां पर आप नॉन लिविंग को लिविंग ट्रीट करोगे, नॉन लिविंग इज ट्रीटेड एज अ लिविंग बींग. जब कोई नॉन लिविंग लिविंग की तरह ट्रीट किया जाएगा तो उसको हम बोलेंगे क्या? पर्सोनिफिकेशन. फॉर एग्जाम्पल, आई गिव यू टू सेंटेंसेस, उससे आपका क्लियर हो जाएगा. कैसे? हमने एक सेंटेंस लिखा, नेचर ऑफर्स इट्स लैप टू वन हु सीक्स इट, राइट? नेचर ऑफर्स इट्स लैप टू वन हु सीक्स इट. अब यहां पर नेचर क्या है? प्रकृति. प्रकृति यहां पर नॉन लिविंग है. नेचर की बात करें तो ये नॉन लिविंग है, राइट? अब अगर हम बोले कि नेचर नॉन लिविंग है तो हमने उसके गोद की बात कैसे कर ली? लैप. लैप मतलब क्या होता है? गोद. तो गोद की बात कैसे हो गई जब ये नॉन लिविंग है? मतलब हमने नॉन लिविंग को कोई लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं. वी हैव गिवन अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉट ऑफ अ लिविंग बींग टू अ नॉन लिविंग बींग. सो हमने एक कैरेक्टरिस्टिक ये दे दिया कि नेचर के पास लैप है, गोद है, राइट? सो गोद है. अब ये बात होती है कि गोद की बात करोगे तो किसकी याद आती है? डू यू रिमेंबर योर मदर और योर फादर? मतलब आप फेमिनिन जेंडर की बात करते हैं या फिर मैस्कुलिन की? आप फेमिनिन को याद करोगे या फिर मैस्कुलिन को याद करोगे? दिस इज द क्वेश्चन दैट कम्स टू योर माइंड. ठीक है, कि मैस्कुलिन जेंडर में ट्रीट किया जाएगा या फेमिनिन जेंडर में ट्रीट किया जाएगा? तो अगर हम इसकी बात करें, गोद की बात करें, तो इसकी बात याद आती है या तो मम्मी की बात याद आती है या गर्लफ्रेंड की याद आती है या फिर वाइफ की याद आती है. तो है तो तीनों फेमिनिन जेंडर ही ना. तो क्या होगा? इट्स की जगह हम क्या लगाएंगे? हर. एंड दिस इज वॉट वी कॉल पर्सोनिफिकेशन. ठीक है, मम्मी और पापा दोनों की याद आती है. बेटा पापा पिटाई करते हैं और मम्मी पिटाई से बचाती है, तो बचाने वाला काम फेमिनिन जेंडर का है. ठीक है, एनीवे, नेचर ऑफर्स हर लैप टू वन हु सीक्स इट. तो यहां पर हर क्यों लगाया है? बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट का जो नेचर है यहां पर क्या डिफाइन किया जा रहा है? देखो, फेमिनिन जेंडर में क्या क्या ट्रीट करोगे? शाय, होप, जॉय, या तो पहले मैस्कुलिन की बात करते हैं. मैस्कुलिन में कम है. मैस्कुलिन में क्या बात करते हैं हम? अगर कहीं ताकत की बात कर रहा है, स्ट्रेंथ की, तो आप क्या लिखोगे? मैस्कुलिन जेंडर. अगर आप बात करते हो पार की, ताकत की, अगेन तो कौन यूज होगा? मैस्कुलिन जेंडर. अगर आप बात करते हो हिंसा की तो किसका यूज होगा? मैस्कुलिन का. लड़ते हुए किसको देखते हैं?
आदमियों को ही आदमी दिखते हैं ज्यादातर लड़ते हुए ना, तो मैस्कुलिन जेंडर में वॉयलेंस का ट्रीटमेंट भी मैस्कुलिन जेंडर में ही होगा, ठीक। अब देखो फेमिनिन जेंडर में शाय, होप, जॉय, हैप्पी, व्हाट एल्स, शाय, होप, जॉय, हैप्पी, और क्या यूज होगा बताओ, और क्या फेमिनिन जेंडर को देखते हैं तो और क्या याद है, शाय हो चुका है, ब्यूटी, चलो क्विकली आंसर करो, क्या याद आता है जब हम इनके अलावा फेमिनिन जेंडर के लिए अगर हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो। ओके ओके योगेश, हमें तो मां मारती थी बेटा, तो आए कर्म ऐसे थे, कर्म सुधारते तो मम्मी ने मारती तुमको, ठीक है। चलो अच्छा बताओ, फेमिनिन जेंडर में शाय, होप, जॉय, हैप्पी, ब्यूटी और क्या चीजें ला सकते हैं आप? ओके सॉफ्टनेस, वेरी गुड, व्हाट एल्स, जॉय, ब्यूटी हो गया, सरप्राइज, सैड, नहीं सैड नहीं होगा। देखो हमने क्या लिखा है, शाय, होप, जॉय, हैप्पी, ब्यूटी, सॉफ्ट, मतलब दुनिया की जितनी अच्छी चीजें हैं, दुनिया की जितनी अच्छी चीजें हैं वो सब फेमिनिन जेंडर में आती है, और दुनिया की जो लड़ाई झगड़े वाली चीज है वो मैस्कुलिन जेंडर में आती है, ठीक है। तो ये मेरा बनाया हुआ रूल नहीं है, ये इंग्लिश का रूल है, तो मैं पार्शल नहीं हो रही हूँ यहाँ पे। एनीवे देखो हमने नेचर की बात करी, नेचर ऑफर्स हर लाप टू वन हु सीक्स इट। अब हमने स्टेटमेंट लिखा, डेथ कंप्लीट इट्स कोर्स, नो वन कैन स्टॉप इट, डेथ कंप्लीट इट्स कोर्स, नो वन कैन स्टॉप इट। अब यहां पर एक चीज देखने की जरूरत है कि हम उसे हिंदी में मैस्कुलिन लेते हैं या फेमिनिन लेते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मैस्कुलिन लेते हैं या फेमिनिन लेते हैं उससे मतलब नहीं है, आप ये देखोगे कि सब्जेक्ट को सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है, सेंटेंस में उसके मैस्कुलिन जेंडर आ रहा है या फिर फेमिनिन जेंडर आ रहा है, ये डिफाइन करेगा कि वहां पर आपको उसको ही में रखना है या शी में रखना है, ठीक है। तो बताओ यहां पर जो डेथ लिख रहे हो, डेथ कंप्लीट इट्स कोर्स, नो वन कैन स्टॉप इट, यहां क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी यूज्ड हियर, जल्दी से। ओके हाँ, काइंडनेस भी आता है, बताओ क्या होगा अगर हम बोलते हैं डेथ कंप्लीट इट्स कोर्स, नो वन कैन स्टॉप इट, तो यहां क्या होना चाहिए, हिज कोर्स, वेरी गुड, हिज कोर्स आएगा, क्यों, क्योंकि हमने बोला डेथ अपना कोर्स कंप्लीट कर लेती है, उसको कोई नहीं रोक सकता। व्हेन आई से डेथ अपना कोर्स कंप्लीट कर लेती है, उसको कोई नहीं रोक सकता, तो एक चीज समझने वाली क्या है कि कोई नहीं रोक पा रहा है, नो वन कैन स्टॉप, मतलब किस चीज की बात हो रही है, पार की बात हो रही है, स्ट्रेंथ की बात हो रही है, कि वो इतनी ताकतवर है कि उसको कोई नहीं रोक सकता। ताकतवर है तो कहां आएगा, मैस्कुलिन जेंडर में, क्या लिखेंगे, डेथ कंप्लीट इट्स कोर्स से होगा पहली बात, हिज कोर्स, एंड नो वन कैन स्टॉप इट की जगह क्या लगाओगे, नो वन कैन स्टॉप हिम का यूज करेंगे, ठीक है। सो दिस इज वन पॉइंट इन नाउन की आप पर्सोनिफिकेशन पे ध्यान देंगे, लेकिन कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी आते हैं जिसमें पर्सोनिफिकेशन होता ही नहीं है। कैसे, सपोज करो हमने लिखा द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन 365 1/4 days, कैन यू कैलक्यूलेट इट्स स्पीड। अब यहां जो सेंटेंस लिखा है उसमें लिखा था अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन इन 365 1/4 days, कैन यू कैलकुलेट इट्स स्पीड, क्या मतलब हुआ कि अर्थ चंद सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है कितने दिनों में, 365 1/4 days, मतलब 365 और 6 घंटे इसमें, कैन यू कैलकुलेट इट्स स्पीड। अब ये मत सोचने लग जाना कि धरती हमारी माँ है ना, धरती हमारी माँ है तो हम उसको फेमिनिन जेंडर में रखेंगे, कैन यू कैलकुलेट हर स्पीड हो जाएगा, या फिर अगर हम बोले स्पीड की बात हो रही है, ताकत की बात हो रही है, तो हम मैस्कुलिन जेंडर में रख दे, कैन यू कैलकुलेट हिज स्पीड हो जाएगा, नहीं, ये एक फैक्ट है। क्या ऐसा कहीं पर भी आपको पूरे स्टेटमेंट में दिख रहा है, कहीं पर भी आपको ऐसा दिख रहा है कि ये स्टेटमेंट ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है जैसे कि यहां पर कोई पर्सन करता है, क्या आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है कि पर्सन की कोई क्वालिटी इसको दी गई है, क्या अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर नहीं लगाता, लगाता है, ये तो ओनली इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ पावर एंड वॉयलेंस एंड फेमिनिन इन टर्म्स ऑफ शाय होप जॉय हैप्पी ब्यूटी एंड एटसेट्रा,
एटसेट्रा मीन्स एनीथिंग विच इज गुड इन दिस वर्ल्ड, हर वो चीज जो अच्छी है उसके लिए हम यूज करेंगे क्या, फेमिनिन जेंडर. ठीक है, चलिए तो एक रूल आपने नाउन से रिलेटेड पढ़ लिया, लेट्स मूव ऑन टू द अदर्स एज वेल. एक एक करके हम सारे ही रूल्स देखते हैं, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट रूल्स देखते हैं बल्कि. ठीक है, चलो अब हमने पर्सोनिफिकेशन की बात समझ ली. ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम अगर क्वेश्चन देखें तो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या, द ज्यूरी इज यूनानिमस इन देयर डिसीजन. ठीक है, एक ये स्टेटमेंट लिखा है, और दूसरा लिखा है द कमिटी इज डिवाइडेड ओवर द इशू ऑफ हिज अपॉइंटमेंट एंड देयर इज मच रैंकर अमंग इट्स मेंबर्स. तो आई सपोज अभी तक आपने आंसर दे दिया होगा, क्या होगा, इन इट्स डिसीजन, इन इट्स डिसीजन, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट. क्यों, देखो जब भी हम सेंटेंस का ऐसा यूज करते हैं, जब हमने बोला ज्यूरी इज यूनानिमस, मतलब ज्यूरी क्या है, दिस इज कलेक्टिव नाउन, राइट, दिस इज कलेक्टिव नाउन. ज्यूरी क्या है, कलेक्टिव नाउन है, दैट मीन्स इट्स अ कलेक्शन ऑफ वॉट, ये कलेक्शन है किस चीज का, ग्रुप ऑफ जजेस का, कलेक्शन ऑफ जजेस. कलेक्टिव नाउन इज यूज्ड इन सिंगुलर नंबर एंड न्यूटर जेंडर. ठीक है, कलेक्टिव नाउन को हम पहली बात सिंगुलर नंबर में ट्रीट करते हैं, मतलब इसके साथ जो वर्ब यूज होगा वो सिंगुलर होगा, और उसके अलावा जो न्यूटर जेंडर होगा मतलब इट का यूज करेंगे. ठीक है, फॉर दिस रीजन ये कब होगा, जब कलेक्टिव नाउन यूनाइटेड होने की बात करता है तब, मतलब ऑल द मेंबर्स ऑफ दैट ग्रुप अग्री टू वन पॉइंट, जब क्या होगा, जब सारे नंबर्स क्या होंगे, सारे के सारे मेंबर्स एक ही बात से अग्री कर रहे होंगे, तो हम यूज करेंगे कलेक्टिव नाउन दैट इज यूनाइटेड, उसके साथ सिंगुलर नंबर और न्यूटर जेंडर. तो इसके अकॉर्डिंग अभी हम कह रहे हैं ज्यूरी यूनानिमस है, यूनानिमस मतलब क्या होता है, एक मत होना, दैट मीन्स एवरीबडी अग्रीज टू वन पॉइंट, हर कोई एक ही बात पे अग्री कर रहा है, जिसकी वजह से हमने सिंगुलर नंबर लगाया है, इज एब्सोल्युटली करेक्ट. लेकिन जब हमने जेंडर की बात करी तो हमने देयर लगा दिया, और देयर यूज होता है प्लूरल के लिए, लेकिन यहां पर लगाना क्या है हमें, न्यूटर जेंडर, तो क्या होगा, इट्स डिसीजन. एक चीज यहां क्यों हो रहा था, क्योंकि यूनानिमस यूनाइटेड होने की बात हो रही थी. लेकिन इसी का एक्सेप्शन क्या आता है, अगर यही यूनानिमस डिविजन की बात करने लग जाए, सेपरेशन की बात करने लग जाए, मतलब जो ज्यूरी है, जो कमिटी है, वॉट एवर कलेक्टिव नाउन वी आर टॉकिंग अबाउट, जिस भी कलेक्टिव नाउन के लिए हम बात कर रहे हैं, उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में क्या होता है कि सेंटेंस में आप क्या करते हो, प्लूरल नंबर, जब सेपरेशन की बात करेगा तो प्लूरल नंबर एंड न्यूटर जेंडर नहीं लगेगा, अब क्या लगेगा, कॉमन जेंडर का यूज होगा, और कॉमन जेंडर क्या होता है, या तो ही या फिर दे. ठीक, अब सेंटेंस में देखो क्या लिखता है, द कमिटी इज डिवाइडेड ओवर द इशू ऑफ हिज अपॉइंटमेंट एंड देयर इज मच रैंकर अमंग इट्स मेंबर्स. इस क्वेश्चन में क्या एरर है ये बताइए, क्विकली बताइए ये क्वेश्चन में क्या एरर है. देखो अभी क्या हो रहा है, कमिटी है, अगेन ये कलेक्टिव नाउन है. ठीक, कमिटी यहां डिवाइड होने की बात हो रही है, मतलब कुछ मेंबर्स एक बात पे अग्री कर रहे हैं और कुछ मेंबर्स एक बात पे अग्री कर रहे हैं. कुछ मेंबर्स कह रहे हैं इसका अपॉइंटमेंट कर दो, कुछ मेंबर्स कह रहे हैं इसका अपॉइंटमेंट मत करो. ठीक है, तो यहां पर डिविजन हो गया, तो यहां इज नहीं लगेगा, क्या होगा, आर का यूज होगा, प्लूरल नंबर. और इसके अलावा जो हमने जेंडर की बात करी तो यहां पर भी तो चेंज आना चाहिए ना, है ना, तो क्या होगा, द कमिटी आर डिवाइडेड ओवर द इशू ऑफ हिज अपॉइंटमेंट एंड देयर इज मच रैंकर अमंग देयर मेंबर्स, होना चाहिए. सो दिस इज द सेकेंड रूल ऑफ नाउन, जो क्या कहता है कि कलेक्टिव नाउन अगर यूज करोगे तो सिंगुलर नंबर और न्यूटर जेंडर यूज करना, अदरवाइज आप क्या करेंगे कि अगर डिविजन और सेपरेशन हो जाता है तो प्लूरल नंबर और कॉमन जेंडर का यूज किया जाएगा. ठीक है, दिस इज आई सपोज यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका है. अब जल्दी से बताओ अगर किसी को कोई डाउट है, अभी दो रूल्स में अगर किसी को डाउट है तो जल्दी से पूछ लो, जल्दी से, क्विकली. मीनवाइल आई विल जस्ट रब द बोर्ड.
इन दो क्वेश्चंस में अगर आपको कोई भी एरर लग रही है तो आप जल्दी से बताइए. अभी तक कोई एरर है? ओके ओके ओके, नो डाउट नो डाउट नो डाउट, ओके क्लियर, ओके क्रिस्टल क्लियर हो गया. अरे बाबा, क्रिस्टल क्लियर का मतलब पता है क्या होता है? कि सब आया और गया, आया और चला गया. नहीं, क्रिस्टल क्लियर नहीं, सिर्फ क्लियर करो. क्रिस्टल क्लियर का मतलब होता है बिल्कुल साफ हो गया, कि कुछ घुसा ही नहीं भेजे में तुम्हारे. नहीं, ऐसे नहीं करना है. चलो ठीक है, ठीक है, सबको, किसी को डाउट नहीं है, किसी को डाउट नहीं है. तो अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड रूल की तरफ. ठीक है, एंड व्हाट डज आवर थर्ड रूल से? देखो, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो दिखने में प्लूरल होते हैं लेकिन होते सिंगुलर है. ठीक है, सम वर्ड्स, और अदर वर्ड्स भी नहीं बोलेंगे, नाउन लिखेंगे. ठीक है, सम नाउन्स लुक प्लूरल बट आर सिंगुलर इन नंबर. तो ऑब्वियस सी बात है कि आप इसके साथ कैसा वर्ब यूज करोगे. तो यूज सिंगुलर वर्ब विद देम. ठीक है, कुछ नाउन्स दिखने में प्लूरल होते हैं लेकिन होते सिंगुलर है. कहने का मतलब क्या हुआ? कि हो सकता है उसमें एस लगा हो सकता है उसमें ईएस लगा हो, लेकिन वो होगा सिंगुलर ही. क्या आप लोग कुछ एग्जाम्पल्स दे सकते हो ऐसे नाउन्स के, कि ऐसे कोई नाउन जो दिखने में प्लूरल हो लेकिन हो सिंगुलर? कुछ ऐसा नाउन्स? मैथमेटिक्स, इनिंग्स, न्यूज, वेरी गुड, ओके. पोएट्री? नहीं, पोएट्री कलेक्टिव नाउन होता है बाबा. पोएट्री का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ पोएम्स. ठीक है, ओके. फिजिक्स, मैथमेटिक्स, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट. देखो, मैथमेटिक्स दिखने में क्या है? प्लूरल है, क्योंकि एस लगा हुआ है, लेकिन है क्या? सिंगुलर. इसी तरह से यू हैव दिस वर्ड इनिंग्स. कल हमने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था, दैट हम कभी भी इनिंग नहीं लिखते, इट्स ऑलवेज इनिंग्स, राइट? ओके. पॉलिटिक्स, वेरी गुड. पॉलिटिक्स, व्हाट एल्स? फिजिक्स, वेरी गुड. फर्नीचर का फर्नीचर्स कभी भी नहीं होता है, फर्नीचर ही लिखते हो, चाहे एक फर्नीचर हो चाहे दस फर्नीचर हो, वो फर्नीचर ही होगा, उसमें एस नहीं लगता कभी. ठीक है, ओके. इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, एटसेट्रा, राइट? तो ये सब क्या है? हमारे पास बहुत सारे नाउन्स होते हैं जो दिखने में क्या होते हैं? दिखने में क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं, लेकिन होते क्या है? सिंगुलर. सो इफ आई राइट मैथमेटिक्स इज एन इजी सब्जेक्ट, सो डू यू फाइंड दिस सेंटेंस करेक्ट? मैथमेटिक्स इज एन इजी सब्जेक्ट. क्या ये सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट है? क्विकली बताओ, क्विकली बताओ. व्हेन आई से मैथमेटिक्स इज एन इजी सब्जेक्ट, तो ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है? कोक सिंह, आपको मैं बता दूं कि आपने एक शब्द लिखा था अभी, आई जस्ट मिस्ड इट, एक सेकेंड. आपने गोज लिखा. गोज नाउन नहीं है बाबा, गोज वर्ब होता है. यहां पर हम बात करें कुछ नाउन्स जो दिखने में प्लूरल है बट होते सिंगुलर है. तो यहां पर क्या होगा? करेक्ट है, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट. कि मैथमेटिक्स लिखा है, मैथमेटिक्स के साथ हमने इज लगाया है, अगेन करेक्ट. ठीक है, एंड से पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम. नाउ टेल मी, इज दिस सेंटेंस करेक्ट? क्या ये वाला सेंटेंस करेक्ट है? पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, ये करेक्ट है कि नहीं है? जल्दी से बताओ, ये करेक्ट है या नहीं है? पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, क्विकली, जल्दी जल्दी से. करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ओके. पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम. स्पेक्टिकल्स प्लूरल होता है? नहीं बाबा, स्पेक्टिकल्स भी सिंगुलर होता है. करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड, ये भी करेक्ट है. पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, करेक्ट है. कुछ नाउन जो दिखने में प्लूरल है लेकिन है सिंगुलर के साथ. अब देखो इसमें ट्विस्ट क्या आएगा. क्या ट्विस्ट आता है? अगर हम यही सेंटेंस लिख दे कि माई मैथमेटिक्स इज वेरी वीक, एंड दिस इज एक्चुअली ट्रू, ये सच्चाई है, ये कड़वा सच है मेरी जिंदगी का. नेवर माइंड, हमने लिखा माई मैथमेटिक्स इज वेरी वीक, हमने लिखा माई मैथमेटिक्स इज वेरी वीक. अब बताओ ये सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट है? जल्दी से, माई मैथमेटिक्स इज वेरी वीक, क्विकली टेल मी, इज दिस सेंटेंस करेक्ट और इनकरेक्ट? जल्दी से बताओ.
माय मैथमेटिक्स आर वेरी वीक, वेरी गुड. अब माय मैथमेटिक्स इज गुड नहीं, माय मैथमेटिक्स इज की जगह आर हो जाता है. अभी भी मैथमेटिक्स ही लिखा हुआ है, कुछ चेंज नहीं आया है, लेकिन फिर भी यहां पर हमने आर लगा दिया. क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या आ गया, एक पोजेसिव केस. पोजेसिव केस मतलब माय, योर, हिज, हर, इट्स, देयर. अगर आप इनमें से कोई भी यूज करते हो, क्या बताया हमने, माय, योर, हिज, हर, इट्स, देयर एंड योर. योर हो गया, सॉरी. तो अगर आप इनमें से कुछ भी यूज करते हो तो इसके बाद क्या लगेगा, अगर ऐसा कोई नाउन यूज होता है जो दिखने में प्लूरल है लेकिन है सिंगुलर, तो आप आर का यूज करेंगे. सिमिलरली अगर हम सेंटेंस लिखते हैं द पॉलिटिक्स, अभी हमने क्या लिखा था, पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम. अब हम लिख रहे हैं क्या, पॉलिटिक्स ऑफ दिस सिटी इज वेरी करप्ट. पॉलिटिक्स ऑफ दिस सिटी इज वेरी करप्ट. अब बताओ इसमें एरर है कि नहीं है. पॉलिटिक्स ऑफ दिस सिटी इज वेरी करप्ट, क्विकली बताओ. ओके, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट. यहां पर बताइए ये क्या गलती है कि नहीं है. पॉलिटिक्स ऑफ दिस सिटी इज वेरी करप्ट, क्विकली जल्दी से बताना है. ओके, ये भी रॉन्ग है. आर होना चाहिए, आर वेरी करप्ट, वेरी गुड. क्यों? क्योंकि यहां पर भी हम पॉलिटिक्स जनरल सेंस में बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर हम पॉलिटिक्स जनरल सेंस में बात कर रहे थे, लेकिन यहां पॉलिटिक्स सिर्फ एक सिटी से जुड़ी हुई है. मतलब एक चीज तो हो गई आपकी पोजेसिव केस, और दूसरा चीज हो गया आपका अगर आप किसी नाउन को पर्टिकुलराइज करोगे. पर्टिकुलराइज मतलब करना क्या होता है, किसी भी नाउन को किसी एक सिटी, किसी एक चीज के साथ एसोसिएट कर देना, किसी एक चीज के साथ जोड़ देना इज वेरी नेसेसरी. अगर आप ऐसा करते हैं तो यहां पर इसका यूज नहीं होगा, आर का यूज होगा. अभी भी ये सेंटेंस इनकरेक्ट है. अगर हमने लिख दिया पॉलिटिक्स ऑफ दिस सिटी आर वेरी करप्ट, अभी भी सेंटेंस इनकरेक्ट है, तो बताइए इसमें क्या करेक्ट होगा, जल्दी से, क्विकली जल्दी से बताओ क्या एरर होगा इसमें. ओके, रॉन्ग. आर नहीं, इन आएगा क्या मैम? नहीं नहीं, इन नहीं आएगा. आर वेरी करप्ट तो हो गया, हमने आर लगा दिया, आर वेरी करप्ट हो गया. अभी भी ये सेंटेंस इनकरेक्ट है, तो बताइए क्या इनकरेक्ट है इसमें. रॉन्ग, आर, इन दिस नहीं, द पॉलिटिक्स. वेरी गुड, हिमानी ने सपोज आंसर किया सबसे पहले कि हमें यहां पर लगाना है द पॉलिटिक्स. इसका मतलब क्या हुआ, व्हेन आई से द पॉलिटिक्स ऑफ दिस सिटी आर वेरी करप्ट, इसका मतलब हो गया क्या कि आपने पॉलिटिक्स ऑफ जनरल सेंस में तो बात कर नहीं रहे हो, और जब आप किसी एक चीज से एसोसिएट कर देते हो, जब आप पर्टिकुलराइज कर देते हो, तो हमारे पास द लगना भी जरूरी है. एंड द करेक्ट सेंटेंस विल बी द पॉलिटिक्स ऑफ दिस सिटी आर वेरी करप्ट. समझ में आ गया, यहां तक आई सपोज सबको क्लियर है, राइट? यहां तक क्वेश्चन नंबर थ्री तक आपको, क्वेश्चन नंबर थ्री नहीं बोलेंगे, रूल नंबर थ्री तक आपको सब कुछ क्लियर हो चुका है इन माय ओपिनियन, राइट? चलो अब हम देखते हैं अपोस्ट्रफी से रिलेटेड कुछ चीजें, ठीक है? हमेशा कंफ्यूजन रहती है कि अपोस्ट्रफी कहां लगता है और कहां नहीं लगता, राइट? हमेशा कंफ्यूजन रहती है कि अपोस्ट्रफी कहां लगाना है, कहां नहीं लगाना, हमें नहीं पता, राइट? तो देखो अपोस्ट्रफी होता क्या है. सबसे पहली चीज, जब आपने कभी हमेशा या कभी ऐसा किया होगा कि अपोस्ट्रफी के साथ एस लगाया होगा, कभी यह भी देखा होगा कि अपोस्ट्रफी लगा हुआ है लेकिन उसके साथ एस नहीं लगाया, राइट? कभी यह भी देखा होगा. अच्छा, ये कंडीशन क्या होती है, जिस तरह से हम हिंदी में का, की और के का यूज करते हैं, उसी तरह से हम अपोस्ट्रफी का यूज करते हैं ऑफ को शो करने के लिए, मतलब बिलोंगिंगनेस, ओनरशिप डिफाइन करने के लिए. ये उसका है, इज वॉट वी डिफाइन बाय अपोस्ट्रफी, यही हम डिफाइन करते हैं, ठीक है? सबसे पहली चीज, ये लिविंग बींग्स के साथ यूज होता है, लिविंग बींग्स के साथ यूज होता है, ठीक? लिविंग बींग्स में चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, एस के बाद एस नहीं लगेगा, एस के बाद. यस, वेरी गुड. देखो लिविंग बींग्स में दो चीजें होती हैं, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, अगर वर्ड के लास्ट में एस लगा हुआ है, वर्ड्स एंडिंग विथ एस और वर्ड्स डू नॉट एंड विथ एस,
अगर एस लगा हुआ है लास्ट में तो आप सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाओगे, यहां पर एस का यूज नहीं होता। अदरवाइज अगर एस नहीं लगा हुआ है तो यहां पर अपोस्ट्रोफी भी लगेगा और एस भी लगेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नाम है फ्रांसिस, ठीक है फ्रांसिस, अगर हमें बोलना है फ्रांसिस की कार ब्लैक है तो क्या बोलोगे? फ्रांसिस कार इज ब्लैक, क्या बोलोगे? अब यहां पर फ्रांसिस की गाड़ी है, ये डिफाइन करना है, अपोस्ट्रोफी हमें डिफाइन करना है, मतलब हमें का की के बिलोंगिंगनेस बताना है कि फ्रांसिस की गाड़ी है। अब यहां पर क्या करेंगे, फ्रांसिस है तो लास्ट में क्या लगा है, एस लगा है, तो यहां पर आप सिर्फ अपोस्ट्रोफी का यूज करोगे, एस का यूज इसके बाद नहीं होगा, ठीक। और अगर यही चीज ऐसे होती, जॉन कार इज ब्लैक, तो ये चीज क्या होती, यहां पर आप अपोस्ट्रोफी भी लगाते और एस का यूज भी करते, जिसका मतलब क्या है, जिसका मतलब ये है कि आप क्या डिफाइन कर रहे हो, जॉन की गाड़ी ब्लैक है, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गई। अब देखो अगर दूसरी चीज की बात करें, नॉन लिविंग के साथ आप अपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करते हैं, ठीक है, या इसको, ये फर्स्ट वाला क्लियर हो चुका है तो अब हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। देखो हमने क्या बोला, दूसरी कंडीशन क्या है, आप नॉन लिविंग के साथ, दिस इज द थर्ड कंडीशन अपोस्ट्रोफी की, नॉन लिविंग के साथ आप क्या नहीं यूज करते, अपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करते हो, अपोस्ट्रोफी रादर दिस इज फोर्थ, हमने तीन रूल ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, ये चौथा है अपोस्ट्रोफी, नॉन लिविंग के साथ आप नहीं यूज करते हो, डज नॉट फॉलो अपोस्ट्रोफी, ठीक है, अपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करेंगे। कब आप यूज कर सकते हैं, अब इस चीज की याद आती, इस चीज की बात आती है, ठीक है, कब आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो हमने लिखा स्टेटमेंट, दी चेयर्स लेग इज ब्रोकन, अगर हमने लिखा द चेयर्स लेग इज ब्रोकन, तो इस सेंटेंस में क्या लिख रहे हैं, द चेयर्स लेग इज ब्रोकन, ये गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहां पर चेयर क्या है, नॉन लिविंग है, तो हमें क्या लिखना है, द लेग ऑफ द चेयर इज ब्रोकन, दिस इज द करेक्ट सेंटेंस दैट शुड बी यूज, ये करेक्ट सेंटेंस है जो यूज होना चाहिए। अब क्या कंडीशन आती है कि कहां कहां पर यूज हो सकता है, अगर हम किसी चीज की पर्सोनिफिकेशन करें, पर्सोनिफिकेशन मतलब कोई ऐसी चीज लिखें जो नॉन लिविंग के पास नहीं होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज करो हमने स्टेटमेंट लिखा क्या, अगर हमने लिखा सन, तो सन नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग है, और सन के साथ हमने लगा दिया फ्यूरी, तो फ्यूरी एंगर होता है, फ्यूरी किसकी होती है, लिविंग की होती है, तो मतलब हमने नॉन लिविंग के साथ लिविंग का एक कैरेक्टरिस्टिक लगाया, तो क्या हुआ, पर्सोनिफिकेशन। अब यहां पर आप सन फ्यूरी लिख सकते हो, हमने लिखा नेचर और नेचर के साथ लगा दिया लव, तो लव नेचर नहीं देता, लव किसी लिविंग बींग का काम है देने का, राइट, और लव लिविंग बींग का काम है और आपने लगा दिया नॉन लिविंग के साथ, तो यहां पर भी आप क्या कर सकते हो, नेचर लव लिख सकते हो। दूसरी चीज अगर आप मेजरमेंट की बात करते हैं, मेजरमेंट मतलब एक जगह से दूसरी जगह को नापने का बात कर रहे हो, तो भी आप अपोस्ट्रोफी का यूज कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा ही सिट्स एट अ हैंड डिस्टेंस फ्रॉम मी, या फिर ही लिव्स एट अ स्टोन थ्रो From my place, तो मतलब वो मुझसे एक हाथ की दूरी पर बैठता है, दूसरा he lives at a stone throw from my place, वो मेरे घर से एक पत्थर फेंकने की दूरी पर रहता है, तो he sits at a hand's distance, क्यों, क्योंकि हाथ से आप क्या बता रहे हो, उसके और अपने बीच की दूरी को डिफाइन कर रहे हो, इसलिए। दूसरा he lives at a stone throw, again stone क्या डिफाइन कर रहा है, मेरे घर और उसके घर की दूरी डिफाइन कर रहा है, तो यहां पर भी क्या होना चाहिए, stone's throw यूज होना चाहिए, सो द सेंटेंस विल बी what, he lives at a stone's throw from my place, ठीक है। नेक्स्ट जो कंडीशन आएगी वो किस चीज की कंडीशन है, कि अगर आप किसी हेवनली बॉडी की बात करते हैं, हेवनली बॉडी मतलब जो स्पेस की चीजें हैं, स्पेस में जो बॉडीज उपलब्ध है, अगर उनकी बात करते हो तो उनके साथ भी आप अपोस्ट्रोफी का यूज कर सकते हो, कैसे, अगर हमने बोला हेवनली बॉडी को यूज करना है तो कैसे करोगे, बताओ, हाउ विल यू डू दैट। देखो जैसे हमें लिखना है अर्थ और अर्थ का एटमोस्फियर, तो क्या लिखेंगे, अर्थ एटमोस्फियर आप लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि अर्थ क्या है, एक हेवनली बॉडी है, और हेवनली बॉडी होने के कारण आप इसके साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हो, ठीक है। स्टोन थ्रो का मतलब हुआ एक हाथ की एक पत्थर फेंकने की दूरी, इट्स अ फ्रेज, वैसे
आटा स्टोन थ्रो, ये फ्रेज है जिसका मतलब होता है क्या, जिसका मतलब होता है काफी पास में रहते हैं, ठीक। पर्सोनिफिकेशन के साथ वाला रिपीट कर दें। अच्छा ठीक है, पर्सोनिफिकेशन क्या होती है, कोई भी ऐसा कैरेक्टरिस्टिक जोड़ना जो लिविंग बींग्स के साथ है। फ्यूरी, फ्यूरी मतलब गुस्सा, गुस्सा कौन करता है, ह्यूमन बींग, नॉन लिविंग थिंग तो गुस्सा कर नहीं सकती। अब आपने उसको लगा दिया एक नॉन लिविंग थिंग के साथ, आपने उसको नॉन लिविंग थिंग के साथ यूज कर लिया, यहां पर आपने फ्यूरी सन के साथ बता दिया, लव नेचर का बता दिया, दोनों नॉन लिविंग है, और आपने इसके साथ कुछ ऐसा यूज किया है जो लिविंग बींग का होता है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों के साथ अपोस्ट्रोफी लगा सकते हैं जब पर्सोनिफिकेशन की कंडीशन आएगी तो, ठीक है, समझ में आ गई इतनी चीज। चलो, आई सपोज इतना चीज आपको अब क्लियर हो गया है कि क्या आपको यूज करना है और कैसे आपको यूज करना है, ठीक है। तो अपोस्ट्रोफी तक, फोर्थ कंडीशन, फोर्थ रूल तक, क्या आपको कोई कंडीशन या कोई डाउट है, जल्दी बताओ। हर्ष सही होगा, अब देखना पड़ेगा हर्ष सही होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अपोस्ट्रोफी का हम आपको एक और चीज बता रहे हैं, वो ध्यान से देख लेना। अगर हमने बोला हनी एंड, हनी सिंह यही है, ठीक है, हनी सिंह एंड अरिजीत सिंह, दिस इज अगेन रिलेटेड टू अपोस्ट्रोफी ओनली, ये भी अपोस्ट्रोफी से ही रिलेटेड है। हनी एंड अरिजीत सिंह, हनी सिंह एंड अरिजीत सिंह एल्बम इज रिलीजिंग सून। अब यहां पर बताओ आप अपोस्ट्रोफी हनी सिंह के साथ लगाओगे या अरिजीत सिंह के साथ लगाओगे। द क्वेश्चन कम्स, आप हनी सिंह के साथ अपोस्ट्रोफी लगाएंगे या फिर अरिजीत सिंह के साथ लगाएंगे, बताओ क्विकली, जल्दी से बताना है। ओके, हनी सिंह या अरिजीत सिंह, जल्दी जल्दी। ओके, अरिजीत सिंह के साथ लगाएंगे, अरिजीत सिंह के साथ। ओके अच्छा, एक क्वेश्चन ये हो गया, और दूसरा क्वेश्चन ये है, हनी सिंह एंड अरिजीत सिंह म्यूजिक आर वेरी फेमस अमंगस्ट द यूथ, बताओ यहां पर बताओ क्या गलती है, क्या गलती है कि नहीं है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपने क्या लिखा है, एक हनी सिंह, दूसरा अरिजीत सिंह, और एल्बम है, एल्बम के साथ इज लगा हुआ है, मतलब एल्बम सिर्फ एक ही है और एक एल्बम है जिसमें हनी सिंह भी है और अरिजीत सिंह भी है। दिस डिफाइंस क्या, ये डिफाइन करता है कि हमारे पास जब दो सब्जेक्ट दिए हैं और दोनों सब्जेक्ट का पोजेशन, पोजेशन क्या है, सेम है, जॉइंट पोजेशन है, तो क्या करेंगे, जॉइंट पोजेशन है तो क्या करेंगे, लास्ट वाले के साथ अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, लास्ट नाउन विल होल्ड दी अपोस्ट्रोफी। तो यहां पर लास्ट नाउन क्या, अच्छा अगर हनी सिंह, सोनू निगम एंड अरिजीत सिंह लगा दें तो भी हमारा जो अपोस्ट्रोफी यूज होगा वो लास्ट वाले के साथ होगा, तो हम क्या लगाएंगे, अरिजीत सिंह्स एल्बम इज रिलीजिंग सून। सिमिलरली अब यहां पर आओ, हमने लिखा हनी सिंह, अरिजीत सिंह, म्यूजिक आर, अब मतलब क्या हो गया, म्यूजिक आप दो अलग अलग लोगों की बात करो, यहां पर एक नहीं है, और जब एक नहीं है तो म्यूजिक दोनों का अलग अलग है, इसमें आप हनी सिंह के साथ भी लगाएंगे और अरिजीत सिंह के साथ भी लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ये दो अलग अलग चीजों को डिफाइन कर रहा है, तो यहां पर जॉइंट पोजेशन नहीं है, यहां पर आपके पास सेपरेट पोजेशन है, सेपरेट पोजेशन है, दोनों का अधिकार दो चीज पे अलग अलग है, इस वजह से हम दोनों के साथ अपोस्ट्रोफी का यूज कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया, इतनी चीज समझ में आ गई। ओके चलो, अब आते हैं हम एक और कंडीशन पे और देखते हैं कि उसमें क्या यूज करना है। देखो, सबको पता है जब हम किसकी बात करते हैं, प्रोनाउन की बात करते हैं, राइट, जब हम प्रोनाउन की बात करते हैं तो प्रोनाउन से रिलेटेड एक ही कंडीशन है, क्या, कि अगर आपके पास यूज करना है आई या मी या माय या माइन, कंडीशन सारी आई की है, राइट, आई के बाद आई भी होगा, मी भी होगा, माई भी होगा, माइन भी होगा, तो हम आपको ये चीज बता दे कि आई, ही, शी, इट, यू और दे, ये सब होते हैं क्या, सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस, राइट। अगर हम इसी की जगह लिखे हिम, हर, इट,
यू और देम, तो ये सब होते हैं ऑब्जेक्टिव केस, राइट। ये सब क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव केस। और माय माइन के साथ अगर हम लगाते हैं हिज, हर या हर्स, इट्स, योर या योर्स, अच्छा इसमें एक और चीज आती है वी, यहां आती है अस, तो दे का देर या देयर्स, एंड वी हैव आर या आर्स। तो ये सारी कंडीशन डिफाइन करती है किसको? पोजेसिव केस को, मतलब कि अधिकार बताने के लिए। तो जब हमें ये बोलना है कि ये उसका है, जब हमें ये बोलना है कि ये उसका है, तो क्या कंडीशन होगी? His, her, hers, its, your, yours, their, theirs, our, ours. अगर हमको ये बोलना है कि ये किसका है, तो हम इसको, इन सबको यूज करेंगे। अब जो क्वेश्चन आता है कि सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस कहाँ यूज होता है, तो यही कंडीशन हमें डिफाइन करनी है। क्या? कि अगर आपके पास सेंटेंस में क्या लिखा है, बट, देन, एज या टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब। टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब क्या हुआ? इज, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है, इज, एम, आर, वॉज, वर। अगर आपके पास इनमें से कुछ भी दिया हुआ है, इनमें से कुछ भी दिया हुआ है, तो इसके बाद आप लगाओगे क्या? इसके बाद आप लगाओगे सब्जेक्टिव केस, मतलब आप यूज करोगे आई, ही, शी, इट, यू, दे, वी, ठीक। अगर आपके पास इसके अलावा दिया हुआ है एक्सेप्ट, लेट, लाइक या फिर कोई प्रेपोजिशन, तो इनके बाद आप यूज करेंगे क्या? ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। इनके बाद आप क्या यूज करेंगे? ऑब्जेक्टिव केस, मतलब क्या हुआ? मी, हिम, हर, इट, यू, दे, देम या फिर अस, इनका, ठीक है। तो चलो देखते सेंटेंसेस। हमने लिखा राहुल अर्न्स मोर देन मी, ये करेक्ट होगा? राहुल अर्न्स मोर देन मी, जल्दी से बताओ। ओके, हिमानी ने भी एक और आंसर दिया है। अगर हम बोले लेट आई एंड यू गो सॉरी टू द मार्केट, लेट आई एंड यू गो टू मार्केट, अगर ये सेंटेंस लिखा है, तो क्या ये करेक्ट है? जल्दी से बताओ, क्या ये करेक्ट है? और इफ आई से व्हाट एल्स, ओके, एवरीथिंग इज ओवर बिटवीन यू एंड मी, क्या ये करेक्ट है? जल्दी से बताओ, इन तीन क्वेश्चंस में आपको कुछ एरर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आई आई आई, वेरी गुड। जब राहुल अर्न्स मोर दान लगा हुआ है, दान लगा है, तो उसके बाद सब्जेक्टिव केस यूज करना था, मी नहीं लगेगा, क्या लगेगा? आई का यूज करेंगे, ठीक। नेक्स्ट, लेट आई एंड यू गो टू मार्केट, ये भी गलत है। यू एंड आई क्या होगा? लेट के बाद क्या लगाना था? लेट के बाद लगाना था ऑब्जेक्टिव केस, तो आई नहीं लग सकता, क्या लगेगा? मी लगेगा। और एक कंडीशन होती है पर्सन से रिलेटेड 2, 3, 1 और 1, 2, 3 की, राइट। 2, 3, 1 मतलब सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। 2, 3, 1 वहां फॉलो होता है जहां पे सारे प्रोनाउंस सिंगुलर होते हैं, 1, 2, 3 वहां फॉलो होता है जहां पे सारे प्रोनाउंस प्लूरल होते हैं। तो अब यहां पर बताओ, सारे प्रोनाउंस सिंगुलर है या प्लूरल है? लेट मी एंड यू, मी एक है सिंगुलर, यू एक है सिंगुलर, तो जब सिंगुलर है तो क्या लगना चाहिए? यू, यू पहले आएगा और फर्स्ट पर्सन बाद में जाएगा, मतलब हम क्या लगाएंगे? लेट यू एंड मी गो टू द मार्केट। एंड लास्ट सेज एवरीथिंग इज ओवर बिटवीन यू एंड मी, हर कुछ हमारे बीच में खत्म हो चुका है। तो अगेन हमारे पास क्या आया है? बिटवीन। बिटवीन क्या होता है? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद क्या लगाना है? ऑब्जेक्टिव केस। और ऑब्जेक्टिव केस लगेगा तो क्या लगेगा? यू एंड मी का यूज नहीं करेंगे। यू तो करेक्ट है, लेकिन मी भी करेक्ट है। क्यों? क्योंकि यू और मी दोनों ऑब्जेक्टिव केसेस में ही यूज हो रहे हैं। अच्छा, 2, 3, 1 एंड 1, 2, 3 नहीं समझ में आया? देखो, आई टेल यू, बहुत ब्रीफली बताते हैं, फिर इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ऐसा नहीं, हम इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। व्हेन आई से 2, 3, 1, या इसको हम लोग बाद में ही डिस्कस करेंगे, अभी पहले इसको डिस्कस करते हैं जो हमने अभी अभी पढ़ा है, ठीक है। बट देन एज टू बी फॉर्म, अगर हमने सेंटेंस लिखा इट इज हिम हु हैज डन दिस, इट इज हिम हु हैज डन दिस, तो ये सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट है? और इनकरेक्ट है तो क्या गलती है? जल्दी से बताओ, इट इज हिम हु हैज डन दिस, ये वही है जिसने ये काम किया है, ठीक है। और अगर हमने स्टेटमेंट लिखा नो वन
विल कम टू रेस्क्यू यू बट मी, तो क्या लगाएं, क्या ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है? इन केस वी एक्सेप्ट मिस्टेक इट इज 1 2 3, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, बी इट सिंगुलर और प्लूरल. इन केस वी एक्सेप्ट मिस्टेक वी विल यूज व्हाट, 1 2 3. यहां पर बताओ क्या होगा. ही, वेरी गुड. इट इज लगा हुआ है, इस क्या है, टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो क्या लगाएंगे इसके बाद, आप हिम का यूज नहीं करोगे. इट इज ही हु हैज डन दिस इज करेक्ट, इट इज ही लगना चाहिए. और दूसरा क्वेश्चन क्या है, नो वन विल कम टू रेस्क्यू यू बट मी, तो बट के बाद क्या आएगा, सब्जेक्टिव केस, तो बट आई का यूज करेंगे, नो वन विल कम टू रेस्क्यू यू बट आई. और इसी के साथ अगर हम एक स्टेटमेंट ये लिखते हैं, नन वॉज रेडी फॉर द मीटिंग एक्सेप्ट वी, तो ये क्या गलती है कि नहीं है, नन वॉज रेडी फॉर द मीटिंग एक्सेप्ट वी, वी लिखा है डब्ल्यू ई, बताओ क्या होगा, नन वॉज रेडी फॉर द मीटिंग एक्सेप्ट वी, क्या होगा, एक्सेप्ट बट के साथ आई लगेगा, एब्सोल्यूटली करेक्ट. अब ये लास्ट क्वेश्चन बताइए, नन वॉज रेडी फॉर द मीटिंग एक्सेप्ट वी, क्या होगा यहां पर, अस का यूज करेंगे, दैट्स एब्सोल्यूटली करेक्ट, अस का यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि एक्सेप्ट के बाद क्या लगाना था, ऑब्जेक्टिव केस, और वी होता है सब्जेक्टिव केस, तो वी की जगह क्या लगेगा, अस का यूज होगा. समझ में आ गया, तो इतना आई सपोज आपको क्लियर हो गया है, जो हमने आज काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें क्लियर करी, नाउन से रिलेटेड. क्या नाउन से रिलेटेड, सबसे पहली चीज थी कि जब कलेक्टिव नाउन यूज करोगे तो कहां पर क्या लगेगा, कब सिंगुलर ट्रीट होगा, कब प्लूरल ट्रीट होगा. जब हम अपोस्ट्रोफीज का यूज करेंगे तो अपोस्ट्रोफीज क्या हमारे पास क्या क्या कंडीशंस लेके आती हैं, जॉइंट पोजेशन लेके आएगा, पर्सोनिफिकेशन से रिलेटेड है, नॉन लिविंग थिंग के साथ यूज होगा, लिविंग के साथ यूज होगा. उसके साथ साथ हमने ये पढ़ा कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो दिखने में प्लूरल होते हैं लेकिन होते सिंगुलर हैं, तो उनके साथ आप कब सिंगुलर लगाओ, सिंगुलर वर्ब लगाओगे और कब प्लूरल वर्ब लगाओगे, राइट. तो इसके साथ ये कंडीशन हो गई. चौथी कंडीशन आपने ये पढ़ी प्रोनाउन से रिलेटेड, कि जब आप केसेस को यूज करते हो तो बट दैन आज और टू बी के साथ आप क्या, टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ क्या लगाओगे, सब्जेक्टिव केस. और ऑब्जेक्टिव केस में जब आपके पास एक्सेप्ट, लेट, लाइक या प्रेपोजिशन आता है तो आप ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हो. पोजेसिव केस ये बताता है कि आप जब अधिकार डिफाइन करने जाओगे तो आपको पोजेशन दिखाना है, ठीक है. तो ये सारे ऑप्शंस भी हमने क्लियर कर लिए, ये सारा कंफ्यूजन भी हमने क्लियर कर लिया कि किस तरह से क्या करना है. एक और चीज जो हमने देखी वो क्या थी, एक और चीज, दैट इज पर्सोनिफिकेशन. एंड लेट मी टेल यू, पर्सोनिफिकेशन इज वन मेजर पार्ट ऑफ एवरीथिंग, ठीक है. आपको सेंटेंस आएगा या नहीं आएगा, सेंटेंस में पर्सोनिफिकेशन करना है या नहीं करना है, ये डिसाइड करना एक सेंटेंस को पढ़ के, ठीक है. तो दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ इट, ये पहला पार्ट था 20 मस्ट नो रूल्स का. हम लोग कल फिर मिलेंगे कुछ और नए रूल्स के साथ. टिल देन कीप वॉचिंग अड्डा 247 और लाइक सब्सक्राइब शेयर आवर वीडियोस, ऐसा बोलना चाहिए है ना, ताकि अच्छा हो जाए. आप लोग बहुत सपोर्ट करते हो हम लोग को, और सपोर्ट करोगे तो अच्छा ही होगा. एनीवे, तो कीप वॉचिंग अड्डा 247, और आपके लिए थोड़ी देर में एक नया शो आ रहा है, कीप वॉचिंग इट. थैंक यू सो मच. Hello friends and a very good morning to all of you. So as we know, we have discussed certain rules related to grammar that are very important for your examination. We are here with some more of them. हमने आपको जैसा याद होगी कल हमने कुछ rules को discuss कर लिया था, जो 20 आपके important rules हैं किसी भी examination के लिए, उसमें से 5 rules हमने discuss कर लिए थे. And today we'll be solving some more of it. ठीक है, आज हम कुछ और rules solve करने वाले हैं. तो जैसे कि हमने 5 रूल सॉल्व कर लिए थे, लेट्स बिगिन विद द 6th वन. अगर हम बात करते हैं फर्स्ट में, तो हमने क्या पढ़ा था, नाउन और प्रोनाउन से रिलेटेड चीजें, राइट. हमने ये भी बताया था कि आपको कहां पर सब्जेक्टिव केस लगता है, कहां पर ऑब्जेक्टिव केस लगता है, क्योंकि इससे रिलेटेड कंफ्यूजन आती है, राइट. नाउन में कब कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होगा, कब वो प्लूरल हो जाएगा, जब हम कुछ ऐसा वर्ड देखते हैं जो दिखने में प्लूरल है लेकिन है सिंगुलर, जैसे मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स के एग्जाम्पल्स कल हमने देखे थे, राइट. सो ये सब चीजें क्या है, ये ग्रामर का एक ऐसा पार्ट है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है, राइट. तो अब 5 रूल्स के बाद लेट्स बिगिन विद दिस एंड देखते हैं आज कुछ एडजेक्टिव के रूल्स, ठीक है. तो एडजेक्टिव की अगर बात करें, हमने आपको कहा था क्या एडजेक्टिव होता क्या है एक्चुअली, दिस इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन. कब आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव क्या है,
तो आपको वो शब्द ढूंढना है जो आपके दिए हुए नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा होगा। अब ये एडजेक्टिव आपका जो दिया हुआ है, ये एडजेक्टिव एडजेक्टिव के फॉर्म में भी हो सकता है और वर्ब के फॉर्म में भी हो सकता है। जब ये एडजेक्टिव वर्ब के फॉर्म में आता है तो इस वर्ब को हम बोलते हैं पार्टिसिपल, और पार्टिसिपल भी एडजेक्टिव ही होता है। ठीक, तो चलिए एडजेक्टिव से रिलेटेड कुछ रूल्स आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला रूल क्या है, लेट मी गिव यू सर्टेन सेंटेंसेस। हम आपको सेंटेंस देते हैं, फिर आप बताइएगा वो सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट है, और उसके पीछे का लॉजिक उसके बाद में आपको बताऊंगी। ठीक है, चलो हमने लिखा रमेश इज वाइजर देन हैंडसम। क्या ये सेंटेंस करेक्ट है, रमेश इज वाइजर देन हैंडसम? क्विकली बताओ, जल्दी से जल्दी से बताओ, क्विकली, रमेश इज वाइजर देन हैंडसम। ओके, आशा अगर बफरिंग हो रही है तो मैम प्लीज आप एक बार रिफ्रेश कर लो, ठीक हो जाएगा। ओके, रमेश इज वाइजर देन हैंडसम, इसमें क्या करेक्ट है क्या इनकरेक्ट है, आप जल्दी से आंसर बताओ। तब तक आई राइट द रूल ऑफ इट। ठीक है, इसका रूल क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। नोप नोप, ओके, नॉट नॉट, मोर वाइज, रॉन्ग है, रॉन्ग है, रॉन्ग है, रॉन्ग तो है, लेकिन क्या रॉन्ग है ये भी तो बताओ। देखो व्हाट इज देयर, व्हेनेवर वी हैव अ सिंगल पर्सन, ठीक है, हमारे पास जब भी सिंगल पर्सन दिया हुआ है, एक आदमी दिया है, अगर उस आदमी की दो क्वालिटीज गिवन है, फर्स्ट क्वालिटी एंड सेकेंड क्वालिटी, ठीक है, दो क्वालिटीज गिवन है, फर्स्ट क्वालिटी एंड सेकेंड क्वालिटी। अब कौन कौन सी, पहला इंसान कौन है, फर्स्ट सिंगल पर्सन रमेश, दो क्वालिटीज कौन सी है कि वो चालाक है और वो हैंडसम भी है, लेकिन वो हैंडसम से ज्यादा चालाक है, तो दो क्वालिटीज है और आपने इन दोनों क्वालिटीज को क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया। और जब भी ऐसा होगा तो आप क्या करेंगे, यूज मोर इंस्टेड ऑफ ER डिग्री। ठीक है, जो ER वाली डिग्री, जैसे कि आपने यहां पर वाइजर लगा रखा है, इसकी जगह पर हम क्या करेंगे, वाइजर की जगह मोर वाइज कर देंगे। सी गाइस, ऐसा नहीं है कि वाइज का वाइजर होता नहीं है, होता है, लेकिन ऐसी कंडीशन में नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि हम एक ही इंसान की दो क्वालिटीज को डिफाइन कर रहे हैं। अब सपोज करो हम अगर ऐसे बोले, रमेश इज वाइजर देन हिज ब्रदर, तो क्या यहां पर मोर वाइज लगेगा, बताओ, क्या इस सेंटेंस में ये जो लॉजिक हमने देखा है, क्या ये लॉजिक इस सेंटेंस में फॉलो होगा, रमेश इज वाइजर देन हिज ब्रदर, क्या इस सेंटेंस में ये करेक्ट होगा? ओके बताओ, यहां पर हमने कर दिया रमेश इज मोर वाइज देन हैंडसम, दिस इज करेक्ट। व्हाई, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगल पर्सन, हम सिंगल पर्सन की बात कर रहे हैं, और सिंगल पर्सन की दो क्वालिटीज को हमने कंपेयर किया कि वो हैंडसम से ज्यादा चलाक है, तो हमने ये जो चलाक वाला कंपैरिजन किया, इसको हम मोर वाइज लिखेंगे, मोर शब्द का यूज करेंगे, और जब भी मोर शब्द का यूज करते हैं उसके आगे वाली डिग्री पॉजिटिव हो जाती है। यस यस यस, नो नो नो, यस फॉलो होगा, नहीं होगा, क्यों नहीं फॉलो होगा, यहां पर हमने पहले ये कंडीशन लगा दी थी क्या, कि सिंगल पर्सन होना चाहिए, बट यहां पर क्या है, यहां पर रमेश है और रमेश को कंपेयर किया जा रहा है उसके भाई से। यहां कंपैरिजन रमेश का नहीं हो रहा था, इस सेंटेंस में कंपैरिजन रमेश की दो क्वालिटीज का हो रहा था, रमेश की दो क्वालिटीज कंपेयर हो रही थी, लेकिन इस समय इस सेंटेंस में आपने रमेश को उसके भाई से कंपेयर कर दिया, और यहां पर जो वाइजर लगा हुआ है ये बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आ गई इतनी बात, ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, जब भी आपके पास सिंगल पर्सन होगा, दो क्वालिटीज होंगी, दोनों क्वालिटीज में अगर कंपेरिजन है तो मोर वाला आप यूज करोगे, अदरवाइज आप इसका यूज नहीं करोगे। ठीक है, देखो अब ये सिंगल पर्सन से रिलेटेड एक और रूल है, और उसमें भी आपकी दो ही क्वालिटीज आएंगी। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है इसमें, देखो अभी आपने देखा जो सिंगल पर्सन से रिलेटेड फर्स्ट क्वालिटी सेकंड क्वालिटी उनको आपस में कंपेयर किया था, अब डिफरेंस क्या है, अभी भी एक ही इंसान है, अभी भी सिंगल पर्सन है, अभी भी दो क्वालिटीज है, लेकिन दोनों क्वालिटीज कौन सी डिग्री में दी है, अब कंपेरेटिव डिग्री की बात नहीं होगी, अब सुपरलेटिव डिग्री में दी हुई है। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब क्या हो गया, टॉलेस्ट, स्मार्टेस्ट, क्विकेस्ट,
मोस्ट हैंडसम, मोस्ट इंटेलिजेंट, ये जो वर्ड्स है, मोस्ट ब्यूटीफुल, ये जो वर्ड्स है ये सब सुपरलेटिव डिग्री में, ठीक है। तो दोनों सुपरलेटिव डिग्री में है और एक ईएसटी फॉर्म में दी हुई है। ईएसटी मतलब टॉलेस्ट, स्मार्टेस्ट, हैंडसम, मोस्ट हैंड, और एक दी हुई है मोस्ट के फॉर्म में, दैट इज मोस्ट हैंडसम, मोस्ट इंटेलिजेंट, ठीक है। तो इसमें कंडीशन क्या फॉलो होती है, यूज ईएसटी बिफोर मोस्ट, मतलब ईएसटी वाली जो डिग्री है आप उसको मोस्ट वाली डिग्री से पहले लगाओगे, जो ईएसटी वाला वर्ड है उसको पहले लगाएंगे और जो मोस्ट वाला वर्ड है उसको बाद में यूज करेंगे, ठीक है। सो दिस इज वन कंडीशन दैट वी हैव हियर। लेट मी गिव यू अ सेंटेंस, चलो रमेश को ही दोबारा ले लेते हैं। रमेश इज द मोस्ट हैंडसम एंड द स्मार्टेस्ट मैन इन द ऑफिस। बताओ, रमेश इज द मोस्ट हैंडसम एंड द स्मार्टेस्ट मैन इन द ऑफिस, इसमें क्या होगा, क्या करेक्ट है बताओ। ओके, आई हैव चेंज माई पेन, आई एम सॉरी, आपको नहीं दिख रहा था, मैंने चेंज कर लिया। बताओ, रमेश इज द मोस्ट हैंडसम एंड द स्मार्टेस्ट मैन इन द ऑफिस, क्या होगा, जल्दी से ये बताओ। ओके, मोस्ट वाला बाद में आता है, वेरी गुड। इस कंडीशन में क्या करेंगे, ये जो द स्मार्टेस्ट, ये कौन सी डिग्री है, ईएसटी वाली, राइट, ईएसटी वाली, और यहां पर क्या लगा हुआ है, मोस्ट। तो हमने क्या बताया था कि मोस्ट वाली डिग्री आपकी बाद में आती है, जबकि सेंटेंस में मोस्ट पहले लगा हुआ है। तो सेंटेंस में क्या होना चाहिए बताओ, क्या होगा सेंटेंस में, हम क्या लिखेंगे, स्मार्टेस्ट वाली पहले, रमेश इज द स्मार्टेस्ट एंड द मोस्ट हैंडसम मैन इन द ऑफिस। अब क्या ये सेंटेंस करेक्ट है, इज दिस सेंटेंस करेक्ट नाउ, रमेश इज द स्मार्टेस्ट एंड द मोस्ट हैंडसम मैन इन द ऑफिस। मोर हैंडसम, नहीं नहीं नहीं, मोर तो नहीं लगेगा गौतम, स्मार्टेस्ट एंड द मोस्ट हैंडसम, स्मार्टेस्ट एंड द मोस्ट हैंडसम, ओके, द स्मार्टेस्ट एंड मोस्ट हैंडसम। अब बताओ क्या ये सेंटेंस करेक्ट है। देखो, कुछ लोग आप में से करेक्ट आंसर दे रहे हैं, राम प्रवेश मोर का यूज नहीं करेंगे। सर, मोर का यूज होता है कंपेरेटिव डिग्री में, हमने यहां पर पहले ही कंडीशन बता दी कि हमें मोस्ट का यूज करना है जो कि सुपरलेटिव डिग्री होती है, ठीक है। ओके, वेरी गुड, रोजी ने आंसर कर दिया है कि द नहीं आएगा। देखो, जब आपने ये देखा कि स्मार्टेस्ट और मोस्ट हैंडसम दिया हुआ है, सो दिस इज सॉरी, दिस इज वन कंडीशन ऑफ ग्रामर कि जहां पर भी आप सुपरलेटिव डिग्री लगाते हो उससे पहले आप द का यूज करते हो। तो हमने भी यहां पर जो द लगा रखा है, तो हमने द स्मार्टेस्ट के आगे भी लगाया, द मोस्ट के आगे भी लगाया। अब एक चीज, जब दोनों एडजेक्टिव्स एक ही इंसान के लिए यूज होते हैं, व्हेन डिफरेंट एडजेक्टिव्स आर यूज फॉर वन पर्सन ओनली, देन यू यूज द आर्टिकल विद ओनली द फर्स्ट एडजेक्टिव एंड नॉट विद द अदर वन। जब ढेर सारे एडजेक्टिव्स एक ही इंसान के लिए यूज होते हैं तो क्या करते हैं, पहले वाले के साथ आप आर्टिकल का यूज करते हो, बाकी सबके साथ आपको आर्टिकल का यूज करना जरूरी नहीं है। तो यहां पर हम द का यूज हटा देंगे एंड द करेक्ट सेंटेंस विल बी रमेश इज द स्मार्टेस्ट एंड मोस्ट हैंडसम मैन इन द ऑफिस। गॉट इट। चलो, कुश सर इज मोस्ट हैंडसम, आई नो ही इज, मैं समझ सकती हूँ आपकी भावनाओं को, आई अंडरस्टैंड, मैं आपके इन वचनों को उनके उन तक जरूर पहुंचा दूंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। चलो, नेक्स्ट, कमिंग फॉरवर्ड वी हैव अनदर कंडीशन। देखो, जब हम एक को एक से ज्यादा से कंपेयर करते हैं, ठीक है, व्हेन वन इज कंपेयर्ड विथ मेनी, जब हम एक को एक से ज्यादा से कंपेयर करते हैं तो क्या होगा, इट्स कंफ्यूज फॉर मी, कंफ्यूजन कुछ भी नहीं है, आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन होती है तो प्लीज आस्क, ठीक है। चलो बताओ, व्हेन वन इज कंपेयर्ड विद मेनी, जब एक को हम एक से ज्यादा से कंपेयर करते हैं तो हम कंपेरेटिव डिग्री का भी यूज कर सकते हैं और सुपरलेटिव का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, हम कंपेरेटिव डिग्री का भी यूज कर सकते हैं एंड वी कैन यूज सुपरलेटिव डिग्री एज वेल, ठीक है।
अब ये कंडीशन कैसी आती है, देखो जब भी तुम एक को एक से ज्यादा से कंपेयर करोगे और कंपेरेटिव डिग्री यूज कर रहे हो, तो एक चीज ध्यान में रखने वाली क्या है, इसके साथ आपको लगाना पड़ेगा दान, उसके बाद आपको लगाना पड़ेगा एनी, उसके बाद आपको लगाना पड़ेगा अदर, और उसके बाद जो नाउन यूज होगा ये होगा सिंगुलर। समझ माई बात, हमने क्या बोला, दैन एनी अदर नाउन, नाउन होगा सिंगुलर। अब यही चीज अगर आप सुपरलेटिव डिग्री के साथ फॉलो करने लग जाओ तो सुपरलेटिव डिग्री में दान लगता है, नहीं लगता, एनी लगता है, नहीं, अदर लगता है, नहीं, तो ये सब जब कुछ नहीं लगेगा तो क्या लगेगा, यहां पर हम ये सब ना लगा के ऑल का यूज करते हैं, और नाउन जो होता है वो प्लूरल होता है। और एक रूल मैं आपको और बता दूं, जब भी ऑल का यूज प्लूरल नाउन के साथ होता है तो उससे पहले द लगाया जाता है। आई रिपीट दिस, जब भी ऑल का यूज प्लूरल नाउन के साथ होता है तो उससे पहले द का यूज किया जाता है। तो सुपरलेटिव डिग्री लगाओगे तो ऑल द प्लूरल नाउन का यूज करना होगा आपको, ठीक है। चलो देखो, कंपेरेटिव हुआ क्या, अब आपको हम स्टेटमेंट देते हैं। हमने स्टेटमेंट लिखा क्या, शी इज बेटर देन एनी अदर स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। अब बताओ ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, शी इज बेटर देन एनी अदर स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। थोड़ी सी गलती है, बहुत छोटी सी, क्या गलती है बताओ। यस, ऑल द प्लूरल नाउन, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, बताओ, शी इज बेटर देन एनी अदर स्टूडेंट ऑफ द क्लास। बताओ, शी है एक लड़की, मतलब वन, और आप उसको बाकी सारे स्टूडेंट से कंपेयर कर रहे हो, मतलब आपने एक को एक से ज्यादा से कंपेयर किया, वन इज कंपेयर्ड विद मेनी, करेक्ट। फिर आपने क्या यूज किया है, दान का कंपेरेटिव डिग्री यूज करी है, बेटर, करेक्ट। उसके बाद क्या लगना चाहिए था, दान, करेक्ट। उसके बाद क्या लगना चाहिए, एनी, करेक्ट। उसके बाद क्या लगना चाहिए, अदर, करेक्ट। उसके बाद नाउन जो होगा वो क्या होना चाहिए था, सिंगुलर। वेरी गुड, सबने आंसर दे दिया है। और ये स्टूडेंट्स नहीं होगा, दिस शुड बी स्टूडेंट, ये एस जो यहाँ पर लगा हुआ है इसको हटा देंगे, ठीक। अब हम बढ़ते हैं सुपरलेटिव डिग्री की तरफ। हमने बोला एलेक्जेंडर वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ एनी अदर किंग। एलेक्जेंडर वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ एनी अदर किंग। अब देखो यहां पर एलेक्जेंडर अगेन एक आदमी आ गया और बाकी सारे किंग से उसको कंपेयर कर रहे, तो वन इज कंपेयर्ड विद मेनी, एक को एक से ज्यादा से कंपेयर किया, और कौन सी डिग्री यूज करी है, सुपरलेटिव। सुपरलेटिव डिग्री यूज करी है तो हमने कहा था दैन एनी अदर कुछ भी नहीं लगेगा, राइट, दैन एनी अदर कुछ भी नहीं लगेगा। तो लगेगा क्या वो आपको बताना है जल्दी से। बेटा इजी इसलिए हो गया क्योंकि तुमको लॉजिक पता चल गया, ठीक है। अभी हम तुमको एक क्वेश्चन देंगे, उसमें बताना वो इजी होगा कि नहीं, ठीक। ओके, बताओ इस सेंटेंस में क्या एरर है जो अभी आपको दिख रहा है, एलेक्जेंडर वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ एनी अदर किंग। जल्दी से बताएं, जल्दी से। ओके, ऑल किंग्स, वेरी गुड। एलेक्जेंडर आपने यहाँ क्यों क्या यूज कर लिया, सुपरलेटिव डिग्री। अब यहाँ पर एनी नहीं लग सकता, अदर नहीं लग सकता, क्या लगेगा, ऑल का यूज करेंगे पहली चीज, और यहाँ किंग को हम कर देंगे किंग्स। और जब ऑल और किंग्स, ऑल और प्लूरल नाउन एक साथ यूज होंगे तो उसके साथ द का यूज होगा, तो सेंटेंस बनेगा एलेक्जेंडर वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द किंग्स इज द करेक्ट स्टेटमेंट। नाउ लेट मी गिव यू वन मोर सेंटेंस। ये सेंटेंस शायद आपने पहले देखा भी होगा, कभी मैंने शायद आपको बता दिया हो बात बात में, लेकिन लेट सी आपको याद है या नहीं याद है। दिल्ली इज बेटर, नहीं, हाँ लिख सकते हैं, दिल्ली इज फार बेटर देन एनी अदर मेट्रोपॉलिटन ऑफ पाकिस्तान। बताओ, Delhi is far better than any other metropolitan of Pakistan. I hope you must have seen this sentence. आपने ये सेंटेंस देखा जरूर होगा, लेकिन ये बताओ ये सेंटेंस सही है या गलत है। Delhi is far better than any other metropolitan of Pakistan. Quickly. Okay. All the kind kings. यहां पर बताओ क्या एरर है। दिल्ली इज फार बेटर देन एनी अदर मेट्रोपॉलिटन ऑफ पाकिस्तान। क्विकली बताइए, जल्दी से, बहुत जल्दी।
Okay, somebody is asking me to repeat it in English. Let's do that. When one is compared with many, you can use comparative or superlative degree. When you use a comparative degree, it should be followed by than, then any, then either, other, and then the noun used will be in singular form. But if you use superlative degree, it will not be followed by than, any, other. Rather, you will use all, the, and noun in plural form. For example, here we have written, she is better than any other student of the class. That means you are comparing she, that is one, with the other students, that is many. And you are using a comparative degree. For this reason, you have to follow it by than, any, other, and the noun should be in singular form. So we are using student here. Similarly, we have superlative degree, and here we have placed Alexander was the greatest of any other king. That's incorrect. When we use Alexander, when we are comparing Alexander with the other kings of his time, then, and we are using a superlative degree. So we need to follow it with all the noun plural. Okay. So here we need to place all, cut any, place the, cut other, and the noun that is king is, it should be in plural form. Other than that of, नहीं कर, incorrect है. I hope this is clear. Now tell me, is this sentence correct? Delhi is far better than any other metropolitan of Pakistan. Delhi is more. No. आप गलत बोल रहे हैं. Metropolitans भी गलत है. बाबा, metropolitans तो हो नहीं सकता. I've already told you, comparative degree के साथ noun singular लगाओगे भैया मेरे. तो metropolitan को मत छुओ. उसको metropolitan ही रहने दो. गड़बड़ कहाँ है? Okay. Much better? No. Let me tell you. इतना confusion नहीं. देखो, अभी तक हम comparison कर रहे थे, तो she उस class की member थी कि नहीं थी? उस class की student थी ना, जिस class से comparison हो रहा था. था. Alexander को जब हमने बाकी सारे king से compare किया, तो उसके समय के बाकी सारे king से compare किया. Right? यहाँ जब आप Delhi को compare कर रहे हो, तो Delhi metropolitan तो है, लेकिन Delhi क्या metropolitan पाकिस्तान की है? यहाँ कंपैरिजन जो आपका है वो गलत हो गया. ठीक है, क्यों? क्योंकि जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हम एक लेवल में कंपैरिजन करते हैं. फॉर एग्जांपल, फैकल्टी का कंपैरिजन स्टूडेंट से नहीं होगा. स्टूडेंट का कंपैरिजन स्टूडेंट से, फैकल्टी का कंपैरिजन फैकल्टी से, ऐसे कंपेयर करते हैं. मतलब लेवल का जो कंपैरिजन होता है वो लेवल मेंटेन करना चाहिए. बट यहाँ पर हमने दिल्ली की मेट्रोपॉलिटन, दिल्ली जो मेट्रोपॉलिटन इंडिया की है, इंडिया के मेट्रोपॉलिटन को पाकिस्तान के मेट्रोपॉलिटन से कंपेयर कर दिया, तो दो डिफरेंट कंट्रीज आ गई. ऐसा नहीं है कि ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, करेक्ट हो सकता है. बस करना क्या है, यहां से अदर हटा दो, क्योंकि अदर बताता है इसके जैसा, है ना, इसके जैसा. अब दिल्ली के जैसा पाकिस्तान में कहां चला जाएगा? नहीं जा सकता ना. तो बाकी स्टेटमेंट करेक्ट रहेगा, बस आप अदर का यूज हटा देंगे. जब भी ऐसा कंडीशन आता है वेयर यू आर कंपेयरिंग वन ऑफ वन कैटेगरी एंड द अदर ऑफ डिफरेंट कैटेगरी, जब आप एक एक कैटेगरी का हो और बाकी सारे दूसरे कैटेगरी से कंपेयर करते हो, तो बाकी तो सेम रहेगा. कंपेरेटिव डिग्री लगेगी, एनी आएगा, दान आएगा, एनी आएगा, और नाउन भी सिंगुलर रहेगा. बस आप अदर का यूज नहीं करेंगे जब कैटेगरीज डिफरेंट हो जाती हैं तो. ठीक है, ओके. पाकिस्तान इज नॉट अ सिटी. ओके, देखो सेंटेंस क्या हुआ, दिल्ली इज फार बेटर दैन एनी मेट्रोपॉलिटन ऑफ पाकिस्तान. हम पाकिस्तान को सिटी मान ही नहीं रहे, हम पाकिस्तान की मेट्रोपॉलिटन की बात कर रहे हैं. मेरे भाई, इसको समझो, मेरे भाई इसको पढ़ो, तब तो समझ में आएगा, है ना. चलो, ये चीज आई सपोज आपको क्लियर हो गई है अब बिल्कुल अच्छे तरीके से, थी इस कंडीशन में आपको करना क्या था. ठीक है, आई होप दिस इज नाउ वेरी क्लियर टू यू. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी नाउ. अगर आपका इससे रिलेटेड कोई एरर या कोई कंडीशन आपको नहीं समझ में आई, तो जल्दी से पूछ सकते हो बाय द टाइम आई रब द बोर्ड एंड गेट अनदर क्वेश्चन फॉर यू, रादर नॉट क्वेश्चन, बाय द टाइम आई गेट अनदर रूल फॉर यू. आप जल्दी से आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर आपके दिमाग में कोई और क्वेश्चन आ रहा है तो. जल्दी से, क्विकली रिमूव अदर. अदर हटा दिया हमने, हटा दिया अदर को. बेटर दैन द मेट्रोपॉलिटन, ओके, मेट्रो बेटर दैन एनी मेट्रोपॉलिटन होगा. अदर का भी यूज बस हटाओगे और कुछ नहीं. ओके, आई सपोज अब आपको ये चीज क्लियर हो चुकी है. ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट रूल की तरफ. हमने बताया आपको, ठीक है, क्लियर. ठीक है, सबको क्लियर हो गया है. लेट्स हैव अनदर रूल हियर. चलो देखते हैं एक और रूल हम यहाँ पर किस तरह से और क्वेश्चंस को आप एडजेक्टिव के रिलेटेड सॉल्व कर सकते हो. राइट, अब देखो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जहां पर आप यूज करते हैं किसका, एडजेक्टिव का. ठीक है,
और कुछ कंपेरेटिव ऐसे होते हैं, कंपेरेटिव के साथ आप लगाते हो क्या, देन, बट कुछ कंपेरेटिव ऐसे होते हैं जो देन का यूज ना करके टू का यूज करते हैं. कंपेरेटिव्स दैट फॉलो टू इंस्टेड ऑफ देन आर कौन से कंपेरेटिव्स होते हैं, जल्दी से बताओ, जल्दी से. आप सबको पता है ये बात, ओके आप सबको पता है ये बात कि कुछ कंपेरेटिव डिग्रीज ऐसे होती है जो टू लगाती हैं, दान को यूज नहीं करती है. तो जल्दी से बताओ कौन कौन सी डिग्रीज ऐसी होती हैं, व्हाट डिग्रीज डू वी हैव, जल्दी से क्विकली बताइए, टू का यूज करते हैं कौन सी डिग्रीज होती हैं, ओके ओके सुपीरियर इन्फीरियर ओके सीनियर मेजर माइनर ओके दैट्स करेक्ट. देखो सीनियर होता है, सीनियर का ऑपोजिट क्या होता है, जूनियर. फिर क्या बताया आप लोगों ने, ओके ओके सुपीरियर होता है, वेरी गुड. सुपीरियर होता है, सुपीरियर का ऑपोजिट होता है इन्फीरियर. व्हाट एल्स, और क्या है, सुपीरियर इन्फीरियर जूनियर, बस. प्रेफर, प्रेफर भी होता है, वेरी गुड. प्रेफर भी होता है, एंड इफ वी हैव प्रेफरेबल रिटन समवेयर, अगर प्रेफरेबल भी लिखा हुआ है तो भी वो करेक्ट है. प्रेफर, प्रायर, वेरी गुड, प्रायर भी लगाते हैं. व्हाट एल्स, अच्छा ये बताओ, हम बोलते हैं मेरे से बड़ा है, ये मेरे से बड़ा है, ये मेरे से छोटा है, तो क्या यूज करते हो, एक वर्ड यूज करते हो एल्डर, ये मेरे से बड़ा है, है ना, तो एल्डर यूज करते हो, एल्डर के साथ भी टू लगता है. एल्डर का ऑपोजिट क्या होता है, यंगर, इसके साथ भी टू लगता है. ठीक, और कहाँ लगाएंगे, जल्दी बताओ. पोस्टेरियर, वेरी गुड, हम पोस्टेरियर वर्ड और एंटेरियर के साथ भी क्या लगाते हैं, टू का यूज करते हैं. अच्छा अब इसकी मीनिंग क्या होती है, पोस्टेरियर और एंटेरियर, आपको पता है इसकी मीनिंग, बस मुझे थोड़ा सा बताना है क्या. पोस्ट का मतलब क्या होता है, बाद में, और ए एन टी ई एंटी का मतलब क्या होता है, पहले. तो पोस्टेरियर का मतलब होता है हर वो चीज जो मेरे पीछे है, और एंटेरियर मतलब हर वो चीज जो आपके आगे है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग मेरे सामने बैठे हुए हो तो हम क्या बोलेंगे, स्टूडेंट्स आर एंटेरियर टू मी, बिफोर मी, मुझसे पहले बैठे हैं. और अगर हम बोले द बोर्ड इज पोस्टेरियर टू मी, मतलब बोर्ड जो है वो कहाँ है, मेरे से पीछे है. सो दिस इज व्हाट यू मीन बाय एंटेरियर एंड पोस्टेरियर. ठीक है, अब हमने बोला हेल्थ इज मोर प्रेफरेबल दैन वेल्थ. नाउ टेल मी व्हाट करेक्शन डू वी नीड टू डू इन दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में हमें क्या करेक्शन करने की जरूरत है, हेल्थ इज मोर प्रेफरेबल दैन वेल्थ, जल्दी से बताओ. बाद में और पहले नहीं, बाद वाला और पहले वाला होता है, एंटेरियर पोस्टेरियर, बाद में और पहले, पहले नहीं, ठीक है, पहले वाला और बाद वाला इज व्हाट वी मीन बाय एंटेरियर एंड पोस्टेरियर. नाउ लेट मी, जल्दी से बताओ, ओके लवर, नहीं भैया लवर नहीं होगा, लवर तो नाउन होता है, कंपैरेटिव थोड़ी है. इंटीरियर एक्सटीरियर भी नहीं होता है, इंटीरियर और एक्सटीरियर नाउन होता है. अगर हम बोलते हैं द इंटीरियर ऑफ दिस हाउस इज रियली प्रिटी, तो इसका मतलब हुआ इस घर के अंदर का जो हिस्सा है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है. लेकिन इंटीरियर नाउन है, एक्सटीरियर नाउन है, एडजेक्टिव नहीं है. यहाँ बताइए, हेल्थ इज मोर प्रेफरेबल दैन वेल्थ, टू वेल्थ, टू वेल्थ, टू वेल्थ, वेरी गुड. प्रेफरेबल के साथ दान नहीं लगेगा, टू का यूज होगा. लेकिन मेरे भाई बहनों, आपने एक चीज छोड़ दी जो कि यहां पर एक और एरर है सेंटेंस में, वो बताओ क्या एरर है. प्रेफरेबल टू वेल्थ आएगा, मतलब अगर हम एक चीज बता दे रहे, एक कंडीशन, तो उसी से रिलेटेड एरर ढूंढोगे सेंटेंस में, और कोई एरर नहीं हो सकती. एक और एरर है, क्या एरर है बताओ जल्दी से, क्विकली. दान की जगह टू लगेगा, करेक्ट है, बट एक और एरर है, वो क्या है जल्दी से बताओ. ओके मोर, मोर, वेरी गुड, वेरी गुड. एक बार बताओ, हमने क्या कहा था कि कुछ कंपेरेटिव्स ऐसे होते हैं, है ना, कुछ कंपेरेटिव्स ऐसे होते हैं जिनके साथ दान नहीं लगता, टू लगता है. तो एक बार बताओ, जब प्रेफरेबल खुद ही कंपेरेटिव डिग्री है तो क्या उसके साथ मोर लगाने की जरूरत है, नहीं है. प्रेफरेबल का मतलब क्या होता है, व्हेन यू कंपेयर टू थिंग्स एंड गिव प्रायोरिटी टू वन, जब आप दो चीजों को कंपेयर करें और दोनों को कंपेयर करने के बाद एक को प्रायोरिटी देते हैं तो आप प्रेफरेबल का यूज करते हो, राइट. सो प्रेफरेबल खुद ही कंपेरेटिव डिग्री है, वहां पर मोर का यूज नहीं होगा. एंड द करेक्ट सेंटेंस विल बी हेल्थ इज प्रेफरेबल टू वेल्थ. ठीक है, हेल्थ इज प्रेफरेबल टू वेल्थ इज व्हाट वी नीड टू नो हियर. ठीक, चलो
ये हो गया आपका एडजेक्टिव का 9th रूल। अब बढ़ते हैं हम 10th की तरफ। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। क्यों? आई टेल यू व्हाट इज इट ऑल अबाउट। इट्स डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ठीक है, इट्स डिग्री ऑफ कंपैरिजन। एंड व्हेन आई से डिग्री ऑफ कंपैरिजन, इट विल गेट यू द कंपैरिजन ऑल्सो। जब हमने नाम ही लिख दिया डिग्री ऑफ कंपैरिजन, तो एक चीज तो डेफिनेट हो गई, क्या, कि कंपैरिजन तो होगा ही होगा। कंपैरिजन कैसे होगा? अब कंपैरिजन करने के लिए द लीस्ट थिंग दैट यू रिक्वायर, और रादर मतलब द लीस्ट नंबर दैट यू रिक्वायर इज व्हाट। जब कंपैरिजन आपको करना है तो सबसे कम कितने लोग चाहिए आपको? दो लोग तो चाहिए कम से कम, राइट, कम से कम चाहिए। तो वी विल टेक टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वन एंड सब्जेक्ट टू, है ना, वी विल टेक सब्जेक्ट वन एंड सब्जेक्ट टू। अब जब भी किन्हीं दो चीजों के बीच में कंपैरिजन होगा, किसी भी दो चीज के बीच में कंपैरिजन होगा, वन थिंग इज फॉर डेफिनेट, एक चीज जो हमेशा क्या है, डेफिनेट है कि जब भी कंपैरिजन होगा ये किसी ना किसी बेसिस पे होगा, है ना, किसी ना किसी बेसिस पे कंपैरिजन होगा। अब जिस बेसिस पे कंपैरिजन हो रहा है, जिस बेसिस पे कंपैरिजन हो रहा है, उस बेसिस को अवॉइड रिपीटिंग, मतलब आप उस बेसिस को रिपीट करना अवॉइड करेंगे। रिपीट करना अवॉइड करेंगे मतलब अगर आपने इसको फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के साथ लगा दिया तो इसको सेकंड वाले सब्जेक्ट के साथ लगाना अवॉइड करना, ठीक है, अवॉइड करना। इसके साथ आप लगा चुके हो तो दूसरे वाले के साथ मत लगाओ, ठीक, अवॉइड करना है। अगर अवॉइड करेंगे तो क्या करना है, अगर अवॉइड होता है तो क्या करेंगे, या तो आप दैट ऑफ का यूज करेंगे या फिर आप दोज ऑफ का यूज करेंगे, ठीक है, दैट ऑफ का यूज करेंगे या दोज ऑफ का यूज करेंगे। व्हेन आई से आपको दैट ऑफ का यूज करना है तो आपका जो बेसिस है ये होना चाहिए क्या, सिंगुलर। अगर आपका बेसिस प्लूरल है तो आप यूज करेंगे क्या, दोज ऑफ। Got it? When we have a singular basis, we use that of, and when we have a plural basis, we use those of, not by not writing the basis again with what? With subject two. Subject two के साथ हम दोबारा से basis नहीं लिखेंगे। Now let me give you certain sentences and tell me what is the error there. ठीक है? हमने बोला the students of Adda 247 are better than any other channels. बताओ, हमने लिखा the students of Adda 247 are better than any other channels. तो is this sentence correct? क्या ये sentence correct है या फिर इसमें क्या error होना चाहिए? देखो, हमें क्या ढूंढना है, सबसे पहली चीज, अभी आपने थोड़ी देर पहले एक रूल पढ़ा था क्या, कि जब हम कंपेरेटिव डिग्री यूज करते हैं तो चैनल्स नहीं लगाएंगे, चैनल लगाएंगे, एक एरर ये निकल गई, चैनल लगाएंगे, चैनल्स नहीं लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, ठीक है, समझ में आ गया कि जब हम कंपेरेटिव डिग्री का यूज करें तो उसके बाद वाला नाउन क्या होगा, सिंगुलर फॉर्म में होगा, चैनल होगा, एक चीज। दूसरा, अब ये आइडेंटिफाई करो विच इज सब्जेक्ट वन एंड विच इज सब्जेक्ट टू, आइडेंटिफाई करना है। सब्जेक्ट वन क्या हो गया, अड्डा 247, और बाकी सब्जेक्ट टू क्या हो गया, एनी अदर चैनल, ठीक है, एनी अदर चैनल, दो सब्जेक्ट हो गए। अब आप अड्डा 247 को बाकी सारे चैनल से कंपेयर कर रहे हो, नहीं, आप अड्डा 247 के बेसिस क्या है, किस चीज के बीच बेस पे कंपैरिजन हो रहा है, स्टूडेंट्स को, आप अड्डा 247 के स्टूडेंट्स को बाकी सारे चैनल्स के स्टूडेंट से कंपेयर करना चाहते थे, बट यहां पर स्टेटमेंट लगा क्या है, द स्टूडेंट्स ऑफ अड्डा 247 आर बेटर दैन एनी अदर चैनल, मतलब स्टूडेंट का कंपैरिजन चैनल से हो रहा है, ये गलती हो गई, क्या करना था। अब यहां पर दोबारा स्टूडेंट्स लिखने से बजाय हम क्या करेंगे, स्टूडेंट्स ऑफ अड्डा 247 आर बेटर दैन दोज ऑफ क्यों लगाया, क्योंकि हमारा बेसिस क्या था, प्लूरल था, इसलिए दोज ऑफ का यूज किया। करेक्ट सेंटेंस विल बी व्हाट, द स्टूडेंट्स ऑफ अड्डा 247 आर बेटर दैन दोज ऑफ एनी अदर चैनल। गॉट इट, अभी तक क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। एक और स्टेटमेंट है, द क्लाइमेट ऑफ अलाहाबाद इज बेटर दैन दिल्ली, द क्लाइमेट ऑफ अलाहाबाद इज बेटर दैन दिल्ली, एक और सेंटेंस आपके सामने आ गया। अब बताओ इसमें क्या एरर है, पहला वाला मैंने आपको बता दिया, अब इस वाले में आप बताओ, द क्लाइमेट ऑफ अलाहाबाद इज बेटर दैन दिल्ली, इसमें क्या एरर होगा, जल्दी से क्विकली बताएं, क्विकली, बहुत जल्दी, द क्लाइमेट ऑफ अलाहाबाद इज बेटर दैन दिल्ली, दोज ऑफ, दैट ऑफ नहीं लगेगा बाबा, दैट ऑफ आप क्यों लगा रहे थे, यहां पर दैट ऑफ क्या था, सिंगुलर था ना, और यहां पर हमने यूज क्या किया है, स्टूडेंट्स किया है,
तो स्टूडेंट्स किया तो दोज ऑफ लगाओगे, बेसिस अगर प्लूरल है तो दोज ऑफ, सिंगुलर है तो दैट ऑफ. अब यहां पर बताओ क्या होगा जल्दी से. द क्लाइमेट ऑफ अलाहाबाद इज बेटर देन दिल्ली. ओके ओके ओके, देखो यहां पर कंपैरिजन किस चीज का हो रहा है, लेट मी टेल यू. हम किसका कंपैरिजन कर रहे हैं, द फर्स्ट सब्जेक्ट इज अलाहाबाद एंड द सेकंड सब्जेक्ट इज दिल्ली. हमारा पहला सब्जेक्ट अलाहाबाद है, दूसरा सब्जेक्ट दिल्ली है. कंपैरिजन किसके बेसिस पे हो रहा है, द कंपैरिजन इज क्लाइमेट. क्लाइमेट के बेसिस पे कंपैरिजन हो रहा है एंड वी कैन नॉट रिपीट इट विद दिल्ली, बट हियर द कंपैरिजन इज इनकरेक्ट. यहां पर कंपैरिजन ही गलत है. क्यों गलत है, जब हमने बोला था क्लाइमेट ऑफ अलाहाबाद, अलाहाबाद का क्लाइमेट दिल्ली से बेहतर है, हमें यह थोड़ी बताना अलाहाबाद का क्लाइमेट दिल्ली से बेहतर है. यहां पर क्लाइमेट का कंपैरिजन सिटी से हो गया है, जबकि हमको करना क्या था, क्लाइमेट का कंपैरिजन क्लाइमेट से करना था. तो व्हाट वी नीड टू डू इज द क्लाइमेट ऑफ अलाहाबाद इज बेटर देन दैट ऑफ दिल्ली. अब यहां दैट ऑफ क्यों लगा है, क्योंकि हमारा क्लाइमेट सिंगुलर है, हमारा बेसिस सिंगुलर है. देयरफॉर वी नीड टू राइट व्हाट वी नीड टू राइट, द क्लाइमेट ऑफ अलाहाबाद इज बेटर देन दैट ऑफ दिल्ली. सो आई सपोज दिस इज क्लियर. क्विकली जस्ट एक बार जल्दी से इसको समझ लेते हैं क्या इसमें हमने किया है. डिग्री ऑफ कंपैरिजन, वेन एवर इट इज देयर वी हैव टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वन एंड सब्जेक्ट टू. वेन एवर वी हैव अ बेसिस वी कंपेयर इट, लाइक इफ द बेसिस इज गिवन इट शुड नॉट बी अवॉइडेड. इफ यू हैव अ बेसिस इट कैन ईदर राइट दैट ऑफ, इफ यू आर अवॉइडिंग इट वी कैन ईदर राइट दैट ऑफ और दोज ऑफ. दैट ऑफ इज यूज वेन वी हैव अ सिंगुलर बेसिस, दोज ऑफ इज यूज वेन वी हैव अ प्लूरल बेसिस. सिमिलरली इन दिस सेंटेंस वी आर कंपेयरिंग स्टूडेंट्स ऑफ अड्डा 247 विद द स्टूडेंट्स ऑफ चैनल अदर चैनल्स. सो वट वी नीड टू डू इज स्टूडेंट्स बेसिस इज प्लूरल, सो वी नीड टू राइट दोज ऑफ. एंड सिमिलरली इन दिस सेंटेंस वट डू वी हैव, इन दिस सेंटेंस वी हैव the climate, that is climate is singular and we are comparing the climate of one city to the climate of the other city, right? Or climate Allahabad ka hai or climate Delhi ka hai. So we need to compare the climates. But here in this sentence we were comparing climate and city. But the comparison should have been with the climate and the climates. So therefore we need to write, we can't write the basis again, we cannot write the climate of Delhi again. So in that case we will write what? That of, and this will make the sentence करेक्ट. ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. यहां पर एडजेक्टिव से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट रूल थे वो मैंने आपको बता दिए. ठीक है, अब हम चलते हैं किसकी तरफ, वर्ब की तरफ. ठीक है, अब हम चलते हैं वर्ब की तरफ एंड दिस विल बी आर 11th रूल. 11th रूल आ गया. अब वर्ब की तरफ देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वर्ब का होता है, दैट इज वन एंड ओनली सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये, है ना, वर्ब का. तो आई गिव यू टू सेंटेंसेस, बताओ ब्रेड एंड बटर के साथ क्या लगता है, सिंगुलर वर्ब लगता है या प्लूरल? जल्दी से बताओ. ओके ओके, दिल्ली क्लाइमेट कर सकते हैं? नहीं अरविंद, आप दिल्ली क्लाइमेट नहीं लिख सकते, दैट्स इनकरेक्ट. ये यूज ही नहीं हो सकता, ये ग्रामर ही गलत है, ये भाई ये हो ही नहीं सकता. आई एम सो सॉरी फॉर दिस. चलो बताओ यहां पर क्या होगा जल्दी से. सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, ब्रेड एंड बटर इज देयर. ब्रेड एंड बटर के साथ आप सिंगुलर यूज करोगे या प्लूरल? दिस इज वन कंडीशन दैट सेज व्हेन वी हैव वन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वन, एंड दिस इज जॉइंड बाय एंड विद द अदर सब्जेक्ट. दो सब्जेक्ट्स हैं, दो सब्जेक्ट्स को एंड ने ज्वाइन किया है, व्हाट काइंड ऑफ वर्ब विल बी यूज्ड हियर? कौन सा वर्ब यहां यूज करोगे, सिंगुलर सिंगुलर सिंगुलर? कौन कह के मर गया कि ब्रेड एंड बटर के साथ आप सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे? क्या किसी ने ऐसा लिख के कहीं चले गए हैं? कोई ऐसा कुछ नहीं है. वर्ब विल बी यूज अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस. वैसे जनरली क्या होता है कि जब सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट एंड से ज्वाइन होते हैं तो वर्ब हम क्या लगाते हैं, प्लूरल लगाते हैं, है ना. फॉर एग्जाम्पल सपोज करो हमने लिखा राम एंड सीता डैश गुड फ्रेंड्स. तो यहां पर दो सब्जेक्ट है, एक है राम एक है सीता, ज्वाइन है एंड से, तो क्या लगाओगे, आर गुड फ्रेंड्स. लेकिन आपने कहा क्या कि अगर हमने ब्रेड लगा दिया, ब्रेड एंड बटर डैश अवेलेबल इन द स्टोर, कैसे लगाओगे इसमें सिंगुलर बताओ? हाउ कैन यू प्लेस, ये इतनी बड़ी गलती आप कैसे कर सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं यहां पर इज ब्रेड एंड बटर डैश अवेलेबल इन द स्टोर? बताओ जल्दी से बताओ यहां पर क्या होगा. ब्रेड एंड बटर डैश अवेलेबल इन द स्टोर, जो कंडीशन आप बोल रहे हो, ऐसा नहीं कि वो कंडीशन गलत है, दैट्स करेक्ट. एंड हाउ विल वी मेक दैट करेक्ट, द सेंटेंस विल बी ब्रेड एंड बटर अगेन
डैश नॉट इजिली अर्नड. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रेड एंड बटर. जब हम ब्रेड और बटर की बात कर रहे हैं इज अरे नहीं होगा इज नहीं होगा इज क्यों नहीं होगा. आई टेल यू व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अवेलेबिलिटी इन स्टोर. तो क्या तुमको ब्रेड और बटर एक साथ चिपका हुआ मिलता है, लो बंद और पाव मिल रहा है खा लो, ऐसे नहीं होगा. यहां पर जब स्टोर में मिलेगा तो स्टोर में क्या होगा, ब्रेड और बटर अलग अलग रखा जाएगा, राइट. सो अलग अलग रखा जाएगा. स्टोर में अवेलेबिलिटी की बात है तो ब्रेड एंड बटर आर अवेलेबल इन द स्टोर होगा. बट वेन यू टेक इट एज अ फ्रेज, ब्रेड एंड बटर डैश नॉट इजिली अर्नड. ब्रेड और बटर क्या नहीं होता, आसानी से कमाया नहीं जाता है. तो यहां पर देखो, ब्रेड और बटर का मतलब बंद और पाव नहीं कमाने जाओगे, सॉरी पाव और मक्खन नहीं कमाने जाओगे. यहां पर इसकी बात हो रही है किससे रिलेटेड, रोटी से रिलेटेड, डेली नेसेसिटी से रिलेटेड, ठीक है. सो ब्रेड एंड बटर टुगेदर इज अ फ्रेज विच मीन्स रोजी रोटी, एंड हियर वी विल प्लेस इज नॉट इजिली earned. So when we use this condition in what? अगर हम इसी condition को कैसे use करते हैं as a phrase? When this condition is used as a phrase, use singular verb. ठीक है, तब आप क्या use करोगे, singular verb का use करोगे. इसमें plural होगा store वाले में. That's absolutely correct. Store में अलग अलग product की बात हो रही है तो और लगाएंगे. And जब इसको आप एक फ्रेज की तरह यूज करोगे तब आप इज का यूज करोगे, ठीक है. गॉट दिस. तो कभी भी बस इतना देख के मत बता देना कि इज लगेगा कि यार. ब्रेड और बटर से नहीं डिफाइन करता, ब्रेड और बटर के आगे क्या लिखा हुआ है ये डिफाइन करता है व्हाट एक्चुअली शुड बी यूज्ड इन दिस सेंटेंस, ठीक है. ओके, सो एक चीज और मैं आपको बता दूं, ऑक्सफोर्ड कॉमा के बारे में जानता है क्या कोई, एनीबडी हु नोज अबाउट ऑक्सफोर्ड कॉमा. एक ये छोटा सा ज्ञान ऑफ द डे देना चाहते हैं. आर यू अवेयर ऑफ ऑक्सफोर्ड कॉमा? क्या आपको पता है ऑक्सफोर्ड कॉमा क्या होता है? नहीं पता है तो मैं बताऊंगी, जल्दी बताओ पहले तुमको पता है कि नहीं, क्विकली. कैसे बताएंगे आप, सट से, जल्दी से बताइए क्या होगा, जल्दी से बताओ. ऑक्सफोर्ड कॉमा के बारे में किसी को मालूम है? एनीबडी हु इज अवेयर ऑफ दिस वर्ड ऑक्सफोर्ड कॉमा? देखा सबने होगा, सबने मतलब एक्चुअली अ लॉट ऑफ पीपल मस्ट हैव सीन दिस. आई दाल बाटी चूरमा ऑक्सफोर्ड कॉमा? नहीं ऐसा नहीं होगा. ऑक्सफोर्ड कॉमा, नो 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 नो. व्हाट इज दिस, व्हाट्स दैट, नो नो. देखो सबने देखा है, सबने देखा है. देखो कभी तुमने एंड के पहले कॉमा लगते हुए देखा है? देखा है बताओ, एंड के पहले कॉमा लगते हुए देखा है? अगर देखा है तो इसी को हम ऑक्सफोर्ड कॉमा बोलते हैं. इसी को हम ऑक्सफोर्ड कॉमा बोलते हैं, अ कॉमा विच इज यूज बिफोर एंड. एक ऐसा कॉमा जो एंड से पहले यूज किया जाता है. अच्छा ये होता क्यों, आई टेल यू. इफ आई से आई हैड व्हाट, आई हैड जूस, नहीं जूस बाद में लिखते हैं. आई हैड एग्स जूस एंड टोस्ट इन माई ब्रेकफास्ट, ठीक है, इन माय ब्रेकफास्ट. एक हमने स्टेटमेंट लिख दिया, ठीक है, आई हैड एग्स जूस एंड टोस्ट इन माय ब्रेकफास्ट. और उसके बाद हमने स्टेटमेंट लिखा, वी हैव ऋतिक एंड व्हाट एल्स, अनुषा एंड अनुषा को जानते हो, आई डोंट नो तुम लोग जानते हो कि नहीं, अनुष्का लिख देते हैं, इसको तो जानते ही है सब, विराट कोहली की हो गई है अभी, ठीक है. एनीवे वी हैव ऋतिक अनुष्का एंड शाहरुख इन आर पार्टी टुडे. बताओ इसमें जो आप यूज कर रहे हो, लेट मी टेल यू क्या होता है. जब आप लिखते हैं आई हैड एग्स जूस एंड टोस्ट इन माई ब्रेकफास्ट, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा. क्यों, इसका मतलब क्या है पता है? एग्स का मतलब आपने एग्स तो अलग खा लिए, ठीक है, आपने एग्स तो अलग खा लिए. जूस को, जूस एंड टोस्ट, इसका मतलब क्या हुआ कि जूस जो था उसमें आपने टोस्ट को मिला के खा लिया. यहां पर जूस और टोस्ट अलग अलग नहीं आ रहा है. अब जूस एंड टोस्ट जो लिखा हुआ है इसका मतलब हो गया कि आपने जूस और टोस्ट को मिला के खा लिया. बट वी हैवन डन दैट, राइट. हमने क्या किया, जूस अलग पिया है और हमारे पास टोस्ट अलग था. तो अगर आपको तीन अलग अलग चीजें डिफाइन करनी है तो वी नीड टू राइट अ कॉमा बिफोर एंड. एंड देयरफॉर इस सेंटेंस में भी वी हैव ऋतिक, ऋतिक एक आदमी हो गया, दिस इज ऋतिक, ठीक है. अनुष्का, अनुष्का के बाल बना देते हैं थोड़े से,
ठीक है, दिस इज अनुष्का, और अनुष्का एंड शाहरुख जो तुमने लिख दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि अनुष्का और शाहरुख मिल गए. मिल कैसे गए? अनुष्का शाहरुख नहीं, विराट लिख देते हैं तो ज्यादा ढंग का बनेगा ही, है ना. अनुष्का एंड विराट एक साथ. अब अनुष्का और विराट अलग अलग इंसान नहीं हुए. इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अनुष्का और विराट एक ही हो गए. ठीक है, ठीक है. तो ये अनुष्का, सर से अनुष्का हो गए, नीचे से विराट हो गए, ऐसा वाली कंडीशन हो जाएगी. तो ये गलत है. क्या होगा यहां पर? आपको एंड के पहले कॉमा लगाना पड़ेगा, एंड दिस इज व्हाट वी नो एज ऑक्सफोर्ड कॉमा. अब बनेगा अलग अलग अनुष्का एंड विराट, अब बनेगा अलग अलग एग्स जूस एंड टोस्ट. सो दिस इज व्हाट वी नो, व्हाट वी नो एज व्हाट, ऑक्सफोर्ड कॉमा. तो इसको भी ध्यान में रखना, जब एंड लगाते हैं तो एंड से पहले कॉमा भी लगता है, एंड दिस इज व्हाट इट डिफाइंस. यही होता है जो उसका डिफिनेशन होता है. गुड ड्राइंग, नहीं ड्राइंग के लिए कुछ मत बोलो, हमको पता है मेरी ड्राइंग बहुत खराब है. कोई बात नहीं, तुमको समझ में आ गया ना, बस यही समझाना था. आपको समझ में आ गया, दैट्स मोर देन इनफ. ठीक, चलो चलो, आई सपोज ये चीज़ आपको क्लियर है. ये ज्ञान ऑफ द डे था, ऑक्सफोर्ड कॉमा, इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना. तो जब भी सेंटेंस लिखोगे, ट्राई एंड place Oxford comma wherever it is necessary. Thank you for watching Adda 247 and keep watching. Aapke liye thodi der mein ek aur show aa raha hai 11:30 baje. Don't miss watching that and keep watching Adda 247. Bye bye. Hello friends and a very good morning to all of you. Now here we are on the third part of 20 master rules of grammar. So we have already pehle do parts discussed kar chuke hai, and in those parts we have discussed 11 rules, right? Humne 11 rule us part mein discuss kiya hai jisme humne first aur second part mein dekha tha. But now we are here on another part, and this is again that takes you to 20 must know rules of grammar. सो इफ़ वी क्विकली रिवाइज इट, अगर हम जल्दी से रिवाइज करते हैं तो 20 मास्टर रूल्स ऑफ ग्रामर में आपने क्या पढ़ा था? यू रेड अबाउट पर्सन्स, राइट? कितने पर्सन्स होते हैं? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड. आपने ये देखा नाउन में कलेक्टिव नाउन को किस तरह से ट्रीट किया जाता है, इज इट सिंगुलर और इज इट प्लूरल? दोनों होते हैं, लेकिन कौन सी कंडीशन में होता है वो आपने पढ़ा, राइट? उसके बाद आप सब्जेक्टिव केस कब लगाओगे, ऑब्जेक्टिव केस लगाओगे, दिस वॉज अनदर थिंग दैट नीड्स टू बी डिफाइंड, राइट? वो भी आपने पढ़ा. ऑब्जेक्टिव में आपने ये चीज़ें देखी कि सिंगल पर्सन की जब दो क्वालिटीज कंपेयर होती है, वॉट यू नीड टू प्लेस देयर, यू नीड टू प्लेस वॉट, मोर इंस्टेड ऑफ ER. सिंगल पर्सन की दो क्वालिटीज अगर सुपरलेटिव डिग्री में दी हुई है तो आप EST वाली पहले लगाते हो, एंड देन यू प्लेस दी मोस्ट फॉर्म. After that, you study that degree of comparison. Whenever it is there, you need to place that of or those of. And what is the condition where we place that of and those of? कौन सी condition होती है जहाँ पर हम that of और those of का use करते हैं? वो ऐसी condition है जहाँ पर sentence में आपका basis same होता है और आपको दूसरी बार उसको लिखना avoid करना होता है, तो इस वजह से हम that of या those of का use करते हैं, right? Similarly, we had a conversation or we learnt about something जिसकी usage कैसी थी, जिसका usage इसका इस तरह का भी था कि जहाँ पर आप sentence को आप इस तरह से लिख पा रहे थे कि sentence लिखा हुआ है, sentence में कौन सा ऐसा कंपेरेटिव है जहाँ पर दान का यूज़ नहीं होना चाहिए, कौन सा ऐसा कंपेरेटिव है जहाँ पर टू का यूज़ होना चाहिए, राइट? तो इस चीज़ को भी आपने पढ़ा, और एक इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी थी ऑक्सफोर्ड कॉमा, राइट? इसके बारे में पता सबको था, लेकिन कब कहाँ पर किस तरह से यूज होगा उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, तो वो भी आई सपोज लास्ट पार्ट में आपको क्लियर हो गई थी. नाउ लेट्स बिगिन विद दिस, एंड 20th रूल के में से हम आज आ गए हैं 12th रूल पे, ठीक है. तो अब हमें देखना है कि 12वां रूल, ये आपको अगर याद हो, वी वर डिस्कसिंग सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, राइट? अगर आपको याद हो तो हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को डिस्कस कर रहे थे, और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में हमने सबसे पहले एक चीज अग्री करी थी, क्या? मेरा बर्थडे, अब नहीं, मेरा बर्थडे बीत चुका है. एनीवे, थैंक यू एवरीबॉडी फॉर दैट. बस इतना है, अब हम वापस आ जाते हैं पढ़ाई पे, ठीक है. बर्थडे चला गया, भाड़ में जाया. चलो देखो, अब देखते हैं 20 मास्टर रूल्स ऑफ ग्रामर. 12th पार्ट पे हम आ गए हैं. 12th में क्या लिखना है? इससे पहले हमने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से रिलेटेड एक और रूल पढ़ा था, जहां पर नाउन और नाउन, मतलब दो सब्जेक्ट्स अगर एंड से ज्वाइन होते हैं तो वैसे तो उसमें प्लूरल वर्ब लगता है, लेकिन अगर यही दो नाउन्स दो सब्जेक्ट्स एंड से ज्वाइन होकर एक फ्रेज का काम करेंगे तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, ठीक है. ये कंडीशन आपको क्लियर है. अब इसके साथ दूसरा है, अवॉइड एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी. प्रॉक्सिमिटी की एरर जो हमसे हो जाती है, इस एरर को हमें अवॉइड करना होता है. अब जल्दी से आप क्विकली बता दीजिए कि प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्या होता है, क्विकली जल्दी से जल्दी से बताइए कि प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्या होता है.
जल्दी से। ओके ओके देखो मेरा बर्थडे जा चुका है, थैंक्स लॉट एवरीबडी, थैंक यू। अब इधर आ जाते हैं हम, ये बताइए प्रॉक्सिमिटी वर्ड का मीनिंग क्या है। चलो बताओ। ओके नियरली, आसपास, वेरी गुड। नियरनेस, वेरी गुड, जिसको जिसको पता है नजदीक, वेरी गुड। देखो प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्या होता है, प्रॉक्सिमिटी का मतलब आप लोग बिल्कुल सही डिफाइन कर रहे हैं, दैट सेज नियरनेस। इसका मतलब होता है पास का। कई बार सेंटेंस में क्या होता है, हम देखते हैं कि हमारा सब्जेक्ट जो जस्ट बगल में लगा हुआ है, जो नाउन हमारा जस्ट बगल में लगा हुआ है वर्ब के, वो कैसा है, वो सिंगुलर है तो हमने वर्ब सिंगुलर लगा दिया, वो प्लूरल है तो हमने वर्ब प्लूरल लगा दिया, बट एक्चुअल में हम उसकी बात कर ही नहीं रहे होते। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने स्टेटमेंट दी, छोटा सा बोला आपको, द कॉस्ट ऑफ दीज कार्स आर राइजिंग, अगर ये स्टेटमेंट लिखा है तो ऑब्वियसली बात है ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्यों? अब बताओ, हमने वर्ब यूज किया है आर राइजिंग, ठीक है, बढ़ रहा है। अब बढ़ना हमने क्या देखा कि कार्स लगा हुआ है, सब्जेक्ट हमारा कार्स है, हमने कार्स के साथ आर लगा दिया, लेकिन राइज कार्स थोड़ी कर रही है, राइजिंग कौन है, राइजिंग इन कार्स की कॉस्ट है। सो द मेन सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस इज कॉस्ट, और कॉस्ट बींग सिंगुलर वी नीड टू प्लेस अ सिंगुलर वर्ब, और इस वजह से क्या लगेगा, इज राइजिंग का यूज होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम एक और स्टेटमेंट लिखते हैं, उसमें आप बताइए क्या एरर है, द अपियरेंस ऑफ हिज क्लोथ्स वर वेरी बैड, द अपियरेंस ऑफ हिज क्लोथ्स वर वेरी बैड, इसमें बताओ क्या एरर है, is absolutely correct. अब इसमें बताइए, the appearance of his clothes were very bad. Are we talking about clothes here? क्या हम clothes की बात कर रहे हैं? एक question ये आ जाता है, क्या हम clothes की बात कर रहे हैं? नहीं। अगर हम कह रहे हैं कि very bad, तो क्या खराब था, कपड़े या कपड़े जैसे दिख रहे थे वो खराब था? Is okay. मैम प्रॉक्सिमिटी, आई डोंट नो, स्कैरी गर्ल, लेट मी टेल यू, प्रॉक्सिमिटी का मतलब मैम होता है नियरनेस, पास वाला सब्जेक्ट को देख के वर्ब का यूज करना, अवॉइड करना है, आपको पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं लगाना है, आपको ये देखना है कि एक्चुअल में बात किसकी हो रही है। सिमिलरली इन दिस सेंटेंस वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट क्लोथ्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द अपियरेंस, अपियरेंस की बात कर रहे हो तो अपियरेंस क्या है, सिंगुलर है, अगर अपियरेंस सिंगुलर है तो उसका वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए था, इंस्टेड ऑफ वर्ब वी विल राइट वॉज, एंड द करेक्ट सेंटेंस विल बी वॉट, द अपियरेंस ऑफ हिज क्लोथ्स वॉज वेरी बैड। समझ में आ गया, I suppose this is clear to you. Appearance of clothes is the subject. हमारा जो subject है वो appearance है, ठीक है, appearance है, इस वजह से यहाँ पर हमने singular verb का use किया है. So this is one error. Let me give you one more sentence. The large size of these residential units account for their staggering cost. आप बताइए इसमें क्या एरर है? The large size of these residential units account for the staggering cost. Quickly बताओ इसमें क्या एरर है? Was चला गया, अब यहां पर बताते हैं. The large size of these residential units account for the staggering cost. Quickly बताओ, quickly. What is the error in this last sentence? Okay. Getting, okay. Unit होगा. अभितेज सौरभ, अगर आप इज वेरी बैड लिखोगे तो सर वो सेंटेंस का टेंस को चेंज कर देगा, वो था और आप है बता रहे हो, इज और वॉज में टेंसेस चेंज हो जाएंगे, तो वो चेंज नहीं करते हम. ओके अकाउंट्स अकाउंट्स वॉज, देखो सी व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट, एक चीज समझ लो, द लार्ज साइज ऑफ दीज रेजिडेंशियल यूनिट्स अकाउंट फॉर द स्टैगरिंग कॉस्ट, एक चीज आई, स्टैगरिंग कॉस्ट किसकी है, मतलब फ्लक्चुएट कर रही है कॉस्ट, किसकी फ्लक्चुएट कर रही है, रेजिडेंशियल यूनिट्स की, राइट, और किस वजह से कर रही है, किस वजह से कर रही है, रिस्पॉन्सिबल कौन है इस चीज के लिए, उसका लार्ज साइज, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द लार्ज साइज, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टैगरिंग कॉस्ट, उनके फ्लक्चुएट करते हुए कॉस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, लार्ज साइज की है, उसके रेजिडेंशियल यूनिट्स की नहीं है, लार्ज साइज की है, फॉर दिस रीजन वी नीड टू राइट वर्ब इन सिंगुलर फॉर्म, दैट इज अकाउंट्स एंड नॉट अकाउंट,
ठीक है, समझो इस चीज को. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट रेजिडेंशियल यूनिट्स, रादर वी आर टॉकिंग अबाउट लार्ज साइज हियर. द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस स्टैगरिंग कॉस्ट, द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस फ्लक्चुएटिंग कॉस्ट इज वॉट इज बिकॉज ऑफ लार्ज साइज. और इस वजह से हम क्या करें, इस वजह से हम अकाउंट्स का यूज कर रहे हैं एंड नॉट अकाउंट. आई होप दिस इज क्लियर. अगर इसमें कोई आपको कंफ्यूजन है इस वाले रूल में तो क्विकली टेल मी, अदरवाइज वील मूव फॉरवर्ड. बताओ इस रूल में कोई डाउट है, एनी डाउट दैट यू हैव इन दिस रूल? अकाउंट्स होगा, दैट्स करेक्ट. इट्स होगा? नहीं 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 नहीं, इट्स नहीं लगाओगे. स्टैगरिंग कॉस्ट तो यूनिट्स की है ना, लार्ज साइज की थोड़ी है. स्टैगरिंग कॉस्ट, कॉस्ट किसकी है? कॉस्ट तो रेजिडेंशियल यूनिट्स की है, तो वो कॉस्ट प्लूरल रहेगी. क्यों? क्योंकि कॉस्ट किसके लिए यूज हुए? यूनिट्स के लिए. यूनिट्स प्लूरल है तो कॉस्ट भी प्लूरल होगी. तो उसके साथ इट्स नहीं लगाओगे, देयर का ही यूज करोगे. ठीक है, अकाउंट नहीं समझ में आया सर. अकाउंट एक नाउन भी है और अकाउंट एक वर्ब भी है. अकाउंट यहां पर जो यूज हुआ था वो एक वर्ब के अकॉर्डिंग यूज हुआ था, इसलिए हो सकता है आपको थोड़ा सा डाउट हुआ हो. लेकिन अकाउंट का मतलब होता है एज अ वर्ब, अकाउंट का मतलब होता है बी रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. अगर सपोज करो आपके पास एक सेंटेंस है, इन दैट सेंटेंस यू हैव वन मेन वर्ब, यू हैव वन मेन वर्ब एंड टू ऑक्सिलरीज. आपके पास दो ऑक्सिलरी वर्ब्स है और एक मेन वर्ब है. तो अब ये बताइए इस मेन वर्ब को फर्स्ट के साथ यूज करेंगे या सेकेंड के साथ? दिस इज द क्वेश्चन दैट आई वांट टू आस्क यू. जल्दी से बताओ. एक मेन वर्ब है, मेन वर्ब सिर्फ एक है. नाउ दिस विल बी यूज विद द फर्स्ट ऑक्सिलरी और द सेकेंड ऑक्सिलरी. आई होप आपको ऑक्सिलरी का मतलब पता है. ऑक्सिलरी का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब्स, दैट इज एम आर वॉज वर हैव हैज हैड डू डज डिड. ये सब क्या है आपके? ऑक्सिलरीज है. ठीक है, सो हम कह रहे हैं हमारे पास एक ही मेन वर्ब है लेकिन ऑक्सिलरी दो है. सो वेयर डू वी यूज दिस मेन वर्ब विथ विच ऑक्सिलरी? हम पहले वाले या सेकेंड वाले के ऑक्सिलरी के साथ यूज करेंगे? जल्दी से, फर्स्ट के साथ. ओके, श्रद्धा ने बोला है फर्स्ट के साथ यूज करेंगे. बोथ के साथ? ओके ओके, दोनों के साथ, फर्स्ट के साथ, सेकेंड के साथ. ओके, चलो लेट मी टेल यू अ सेंटेंस, लेट मी गिव यू अ सेंटेंस, फिर आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी. ठीक है, व्हाट एम आई सेइंग इज ही हैज नेवर एंड विल नेवर डिसरिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स. ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है? ही हैज नेवर एंड विल नेवर डिसरिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स. ना उसने आज तक और ना कभी अपने पेरेंट्स को डिसरिस्पेक्ट करेगा. मतलब कहना क्या चाहते हो? आपके पास मेन वर्ब क्या है? उसने किया नहीं. क्या नहीं किया है? डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, डिसरिस्पेक्ट नहीं किया है. और आपके पास दो ऑक्सिलरीज क्या है? एक है हैज और दूसरा है विल. तो आपने विल के साथ तो इस मेन वर्ब को लगा दिया, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, करेक्ट है. लेकिन हैज के साथ आपने इस मेन वर्ब को यूज नहीं किया है और यहां पर भी लगना चाहिए क्या? डिसरिस्पेक्टेड. यहां डिसरिस्पेक्टेड क्यों होगा? क्योंकि हैज हैव हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है. एंड द करेक्ट सेंटेंस विल बी ही हैज नेवर डिसरिस्पेक्टेड एंड विल नेवर डिसरिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स. अब इस सेंटेंस की मीनिंग कंप्लीट हुई क्या? कि ना उसने आज तक कभी डिसरिस्पेक्ट किया था और ना कभी करेगा. ठीक है, दिस इज वॉट वी नीड टू से. सो दिस मेन वर्ब, ये जो मेन वर्ब है ये दोनों के साथ ही यूज होगा. तो जिसने जिसने दोनों आंसर किया, जिसने जिसने बोथ बताया है, उनका आंसर करेक्ट है. दोनों के साथ ही यूज करेंगे. ठीक है, इसी के साथ हमारा एक और रूल एसोसिएटेड है. और एक और रूल एसोसिएटेड कैसे है? देखिए, जो हमने मेन वर्ब की बात करी, अब यहां पर एक मेन वर्ब था और दो ऑक्सिलरी थी. सपोज करो इसी का उल्टा हो जाए क्या? अगर हमारे पास सिर्फ एक ऑक्सिलरी हो और दो मेन वर्ब हो जाए तो क्या करेंगे? इन दिस कंडीशन व्हाट विल वी डू? अगर हमारे पास एक ऑक्सिलरी है, दो मेन वर्ब हो जाए. अब एक चीज देखो, जब हमारे पास एक मेन वर्ब था तो हमने क्या किया? तो हमने दोनों ऑक्सिलरी के साथ उसको यूज किया. सिमिलर इज द कंडीशन विद मेन वर्ब ऑल्सो. यही कंडीशन हम मेन वर्ब के साथ भी फॉलो करेंगे. क्या? अगर हमारे पास दो मेन वर्ब है तो ये ऑक्सिलरी क्या होगी? दोनों के साथ ही यूज करी जाएगी. तो ये ऑक्सिलरी यहां भी यूज होगी और यहां भी यूज होगी. लेकिन एक चीज ध्यान रखना, यहां पर जैसे हमने टेंस फॉलो कराया है वही टेंस यहां पर भी फॉलो होगा. फॉर एग्जाम्पल हमने स्टेटमेंट लिखा, रमन वॉज अवॉर्डेड द पद्मश्री व्हाइल
हिज फ्रेंड्स फेल्ड टू मार्क द लिस्ट. देखो, रमन वॉज अवॉर्डेड द पद्मश्री व्हाइल हिज फ्रेंड्स फेल्ड टू मार्क द लिस्ट. मतलब क्या हुआ, रमन को पद्मश्री से अवार्ड किया गया था लेकिन उसके फ्रेंड्स उस लिस्ट को मार्क नहीं कर पाए. सेंटेंस क्या है, अब यहां पर देखना है तुम्हें ऑगमेन वर्ब क्या क्या है. पहली बात रमन है और दूसरा सब्जेक्ट फ्रेंड्स है, राइट. पहला रमन है, दूसरा सब्जेक्ट फ्रेंड्स है. अब रमन से रिलेटेड क्या है, या इसमें हम वॉज अवॉर्डेड भी ना लगा के इस तरह से लिखते हैं सेंटेंस को, रमन हैज बीन अवॉर्डेड. ठीक है, तो आपका पहला मेन वर्ब क्या है, अवॉर्डेड. पहला मेन वर्ब क्या है, अवॉर्डेड. दूसरा मेन वर्ब क्या है, हिज फ्रेंड्स को क्या हुआ, फेल्ड. अब दो मेन वर्ब हैं लेकिन ऑक्सिलरी सिर्फ एक के साथ लगी है जो कि हैज है. एक चीज और बता दे कि बीन और बीइंग सेंटेंस में दो बार यूज नहीं होते हैं. बीन एंड बीइंग सेंटेंस में दो बार यूज नहीं होते हैं. सो इफ यू हैव यूज बीन विद रमन, वी विल नॉट यूज इट विद फ्रेंड्स. ठीक है, हमने बीन को यूज कर लिया रमन के साथ, तो वो फ्रेंड्स के साथ नहीं लगेगा. अब हमने हैज लगाया था किसके अकॉर्डिंग, रमन, बिकॉज रमन वॉज सिंगुलर. तो इसी का फॉर्म लगेगा फ्रेंड्स के साथ. फ्रेंड्स प्लूरल हैं तो यहां क्या लगाओगे, हैव का यूज करोगे. एंड द करेक्ट सेंटेंस विल बी व्हाट, रमन हैज बीन अवॉर्डेड द पद्मश्री व्हाइल हिज फ्रेंड्स हैव फेल्ड टू मार्क द लिस्ट. ठीक है, वर फेल्ड नो. जल्दी से बताओ क्या होगा, हैव बीन फेल्ड नहीं, दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू अवनीश, दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू सर, वी विल नॉट यूज बीन टू टाइम्स इन अ सिंगल सेंटेंस. आप एक सेंटेंस में दो बार बीन और बीइंग शब्द का यूज नहीं करोगे. इफ वी हैव यूज्ड बीन विद रमन, वी विल नॉट यूज इट विद फ्रेंड्स. ठीक है, हमने एक सब्जेक्ट के साथ लगा दिया तो दूसरे के साथ नहीं करेंगे. तो सेंटेंस क्या बनेगा, फ्रेंड्स हैव फेल्ड. दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट. ठीक है, आई सपोज यहां तक आपको क्लियर है एंड यू डोंट हैव एनी डाउट्स. अगर आपको अभी तक के दो रूल्स में कोई भी डाउट आया है तो यू कैन क्विकली आस्क मी, जल्दी से आप पूछ सकते हो. अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं. आई होप कोई डाउट नहीं है आपको. हैव फेल्ड, हैव फेल्ड, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट. हैव फेल्ड जितने लोगों ने बोला है वो बिल्कुल करेक्ट है. ओके, एक्टिव वॉइस में बीन और बीइंग मैम नहीं यूज होता है, बिल्कुल भी यूज नहीं होता है. बीन और बीइंग का यूज ही हम पैसिव वॉइस में करते हैं, जहां पर डूअर मतलब जिस काम काम हुआ, जिस काम को किया किसने है वो क्लियर नहीं है. फॉर एग्जाम्पल यहां पर हमने लिखा था कि रमन वॉज अवॉर्डेड, राइट. रमन को अवॉर्ड किया गया था लेकिन किसने किया, डूअर कौन था वो काम करने वाला, वो तो नहीं पता ना. सो वेयर द डूअर इज मिसिंग वी यूज पैसिव वॉइस. ठीक है, जहां पर डूअर मिसिंग होता है उसको हम पैसिव वॉइस में यूज करते हैं. चलो चलो देखो, अब हम आते हैं नेक्स्ट रूल पे. एंड इट सेज अगेन इफ वी हैव टू सब्जेक्ट्स. पहले हमारे पास जो सब्जेक्ट आया था वो सब्जेक्ट था क्या, सब दो सब्जेक्ट थे और दोनों सब्जेक्ट किससे ज्वाइन थे, एंड से ज्वाइन थे, राइट. लेकिन अब जो कंडीशन आ रही है वो क्या डिफाइन करती है, अगर सेंटेंस ज्वाइन है, दो सब्जेक्ट ज्वाइन है विद या टुगेदर विद या अलोंग विद या नो लेस देन या फिर इन एडिशन टू. अगर आपके दो सब्जेक्ट्स इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट से, किसी भी एक वर्ड से ज्वाइन होते हैं, किसी भी एक कंजंक्शन से ज्वाइन होते हैं, तो फिर हम वर्ब कैसा लगाएंगे, जल्दी से बताइए. अगर आपके पास दो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वन एंड सब्जेक्ट टू, एंड दीज टू आर ज्वाइन विथ एनी ऑफ दीज, विथ टूगेदर विथ अलॉन्ग विथ नो लेस दैन इन एडिशन टू, वट काइंड ऑफ वर्ब विल बी यूज हियर, किस तरह का वर्ब यहां पर लगाया जाएगा. ओके, निखिल कुमार, ट्वेल्थ रूल के पहले की वीडियो, सर आपको इसी नाम से 20 मस्ट नो रूल्स ऑफ ग्रामर पार्ट वन एंड पार्ट टू के नाम से मिल जाएगी, आप वो देख लेना. ठीक है, वर्ब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट, हर्षदा ने आंसर किया, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, कि हम यहां पर जो वर्ब लगाएंगे वो होगा अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट. पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहां पर वर्ब का यूज किया जाएगा. और पहला सब्जेक्ट हमारा कौन सा है, दिस इज आर फर्स्ट सब्जेक्ट, और इसके अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाएंगे. अगर दिस वर्ड, दिस सब्जेक्ट इज सिंगुलर, वी विल यूज अ सिंगुलर वर्ब. इफ दिस सब्जेक्ट इज प्लूरल, वी विल यूज अ प्लूरल वर्ब. आप सिंगुलर और प्लूरल पहले नहीं बता सकते अनलेस अ सेंटेंस इज देयर विद यू. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चलो देखो, ही
नो और rather not he. I know less than she are to be blamed for the loss. बताओ I know less than she are to be blamed for the loss. इस सेंटेंस में क्या गलती है? As well as में जैसा यूज करते हैं, yes of course, यहां पर आप as well as भी add कर सकते हो, बिल्कुल add कर सकते हो. जल्दी से बताओ यहां क्या होगा. And if I say both India as well as Pakistan is developing. बताओ पहले वाले सेंटेंस में क्या एरर है. I know less than she are to be blamed for this loss. Is. देखो जितने लोग am बोल रहे हैं तुम तो करेक्ट हो, लेकिन जितने लोग is बोल रहे हैं वो इनकरेक्ट है. देखिए हमारे पास दो सब्जेक्ट्स कौन से, I और दूसरा सब्जेक्ट क्या है, she. ज्वाइन किससे हुआ है, नो लेस दैन से राइट. अब जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो पहला सब्जेक्ट जैसा होगा वैसा वर्ब लगेगा. पहला सब्जेक्ट क्या है, आई है. आई सिंगुलर होता है तो कुछ लोगों ने सोचा क्या इज लगाना चाहिए, लेकिन आई के साथ इज लगता ही नहीं है. क्या लगता है, एम. और करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, आई नो लेस दैन शी एम टू बी ब्लेम फॉर द लॉस. ठीक. अब ये आता है लास्ट सेंटेंस, बोथ इंडिया एज वेल एज पाकिस्तान इज डेवलपिंग. तो यहां क्या करोगे बताओ, बोथ इंडिया एज वेल एज पाकिस्तान इज डेवलपिंग. बोथ के साथ आर लगेगा, बोथ के साथ आर लगेगा और एज वेल एज भी लगेगा. ये बताओ बोथ और एज वेल एज एक साथ यूज हो सकते हैं, आर इंस्टेड ऑफ इज इन सेकेंड सेंटेंस. नो. आर डेवलपिंग कैसे नहीं हो सकता. बोथ और एज वेल एज एक साथ कैसे यूज हो सकते हैं. बोथ और एज वेल एज दो अलग अलग चीजें हैं. बोथ के साथ हम एंड का यूज करते हैं और एज वेल एज अलग कंजंक्शन है. ये दोनों चीजें क्या डिफाइन करती हैं, टू एक्सेप्ट बोथ. मतलब दो चीजें जो दी गई हैं दोनों को हाँ बोलने के लिए हम एज वेल एज और बोथ के साथ एंड का यूज करते हैं. लेकिन अगर आप ये कहते हो कि बोथ और एज वेल एज एक साथ यूज हो सकता है तो बिल्कुल गलत है. और अगर आप ये भी कह रहे हो कि हम इस की जगह आर कर दें तो ये भी गलत है. क्यों, इसी को देख के तो बेस बनाना है कि बोथ लगाएंगे कि एज वेल एज लगाएंगे. देखो अगर आप बोथ लगाते हो, ठीक है, अगर आप बोथ लगाते हो तो सेंटेंस कैसे बन सकता है, लेट मी टेल यू दिस थिंग. अगर आप बोथ लगाते हैं तो बोथ लगा के इंडिया एंड पाकिस्तान, अब यहां पर आर डेवलपिंग होगा. मतलब आपको चेंजेस जो करने पड़े वो दो जगह करने पड़े. बोथ के साथ आपने एंड भी लगाया, मतलब एज वेल एज को काटा एंड लगाया, और इसके जगह पे आपको आर लगाना पड़ा, तो आपके पास दो एरर्स आ गए. इंस्टेड ऑफ दिस आप क्या कर सकते थे, आप सिर्फ बोथ को हटाते, सिर्फ बोथ को हटाते तो पूरा सेंटेंस करेक्ट हो जाता, इंडिया एज वेल एज पाकिस्तान इज डेवलपिंग. अब यहां पर एज वेल एज लगा हुआ है तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज होना चाहिए, पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इंडिया के अकॉर्डिंग, और इसके अकॉर्डिंग इज लगा हुआ है, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट. दैट टेक्स यू टू इंडिया एज वेल एज पाकिस्तान इज डेवलपिंग एंड बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान आर डेवलपिंग. ठीक है, तो इनमें से कोई भी एक वर्ड आया जो दो सब्जेक्ट को ज्वाइन कर रहा है तो पहला सब्जेक्ट जैसा भी होगा उसके अकॉर्डिंग आप वर्ब का यूज करेंगे. ठीक है, यस. बोथ के साथ तो आर लगेगा, बोथ के साथ तो प्लूरल लगेगा, लेकिन एज वेल एज के साथ सिंगुलर लगेगा ये कंपलसरी नहीं है. एज वेल एज के पहले जो सब्जेक्ट दिया रहेगा वो डिफाइन करेगा कि आपको कैसा वर्ब यूज करना है. ठीक है, तो इन सारे वर्ड्स के साथ जो भी आपका वर्ब पहला सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आप वर्ब का यूज करोगे. कोई भी ये नहीं कह सकता कि इसमें सिंगुलर लगेगा या प्लूरल लगेगा. कोई भी किताब में आपको ये नहीं मिलेगा जिसमें सिंगुलर लगा होगा या प्लूरल लगा होगा. अगर मिलता है ऐसा किसी किताब में लिखा हुआ तो वो गलत है. ठीक है, क्योंकि पहला सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर होगा, पहला सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वो प्लूरल होगा. चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे अपने अगले सेंटेंस अगले क्वेश्चन की तरफ. और यहां पर कोई अभी तक आई सपोज कोई आपको डाउट्स नहीं होंगे, राइट. बोथ क्यों नहीं आएगा, सर सुधीर, अगर हमें बोथ लगाना है तो बोथ के बाद एज वेल एज को हटाएंगे, एज वेल एज को हटा के एंड लिखना पड़ेगा, फिर आगे जाके आपको इज वाले वर्ब को चेंज करके आर करना पड़ेगा. हम ऐसा नहीं कह रहे कि आपको सेंटेंस गलत हो जाएगा, सेंटेंस सही होगा अगर आप बोथ के साथ एंड लगाते हो और एंड के बाद आर कर देते हो.
लेकिन दो चेंजेस करने से बेटर क्या है, सिर्फ एक ही में सेंटेंस को सही कर दें और क्या कर दें, बोथ को हटा दें, बाकी पूरा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो अगर आप लगाते हो तो वो भी करेक्ट है, उसमें भी कोई एरर नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसा आपने देखा अभी कि सब्जेक्ट अगर दो हैं और इनमें से जॉइंड है तो क्या लगेगा, पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर सेंटेंस में दो सब्जेक्ट हैं, वो नीदर, ईदर या नॉट ओनली के बाद एक सब्जेक्ट दिया हुआ है और उसके बाद नॉर और या बट ऑल्सो के बाद एक सब्जेक्ट दिया हुआ है, ठीक है, तो इस कंडीशन में आप वर्ब कैसा यूज करोगे, आप बताओ वर्ब कैसा होगा। बोथ का मतलब दोनों होता है, दैट्स करेक्ट। ओके, जल्दी से बताइए यहां क्या होगा। नीदर, ईदर, नॉट ओनली के बाद एक सब्जेक्ट है, नॉर और बट ऑल्सो के बाद दूसरा सब्जेक्ट है, तो वर्ब कैसा यूज करोगे, सिंगुलर यूज करोगे या प्लूरल यूज करोगे। ओके, निकिता, एंड के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब यूज नहीं होती है बच्चे। आप एक चीज समझो कि जो सबसे पहला रूल हमने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से पढ़ा था रिलेटेड, उसमें हमने अगर एंड से दो चीजों को ज्वाइन करके अगर उसको फ्रेज की तरह ट्रीट करेंगे तब आप ये नहीं कह सकते कि वो प्लूरल वर्ब फॉलो करेगा अकॉर्डिंग टू सेकेंड सब्जेक्ट। सिंगुलर नहीं, सिंगुलर तो नहीं लगेगा ना प्लूरल लगेगा, लगेगा क्या उसी का उल्टा कर दो, अकॉर्डिंग टू सेकेंड सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड सब्जेक्ट क्या लगेगा, दूसरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और दूसरा सब्जेक्ट कैसा है, कौन सा है ये, तो अगर विद टूगेदर विद अलॉन्ग विद एज वेल एज इन एडिशन टू या नो लेस दैन, अगर ये दिया हुआ है तो इनके साथ पहला सब्जेक्ट, और अगर नीदर ईदर नॉट ओनली और नॉर बट ऑल्सो के साथ दिया हुआ है तो दूसरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल हमने बोला नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट ऑल्सो द टीचर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिचुएशन ऑफ द स्कूल। बताओ, नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट ऑल्सो टीचर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिचुएशन ऑफ द स्कूल। अब यहां पर हमारे पास दो सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, एक है प्रिंसिपल और दूसरा है टीचर्स, ज्वाइन किससे है, नॉट ओनली बट ऑल्सो से, तो दूसरा सब्जेक्ट जो होगा, दूसरा सब्जेक्ट कौन है, टीचर्स है, तो इस वजह से हम इज नहीं लगाएंगे, क्या यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे, और हियर वी विल मेक दिस सेंटेंस करेक्ट, और इसलिए हमारा सेंटेंस अब करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम अकॉर्डिंग टू सेकेंड सब्जेक्ट का यूज करना था, और जो कि क्या है, नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट ऑल्सो द टीचर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिचुएशन। ठीक है, आर आर आर, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, जिसने जिसने आर बताया है वो बिल्कुल करेक्ट है, और बहुत सारे लोगों ने आर बता दिया है एज आई कैन सी दैट। ठीक है, चलिए, हियर वी कम टू द 15th रूल, हमारा यहाँ पर ख़त्म हो गया है। अब हम बढ़ते हैं 16th की तरफ, और 16th रूल जो हमारा होगा दैट विल बी रिलेटेड टू एडवर्ब। ठीक है, ये 20 मस्ट नो रूल्स में एडवर्ब के से रिलेटेड अब 16th रूल आएगा। देखिए, एडवर्ब होता क्या है, दिस इज वन वर्ड दैट डिफाइंस एक्सेप्ट नाउन और प्रोनाउन, हर पार्ट ऑफ स्पीच को जो क्वालिफाई कर सकता है उसको हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब। जनरली आपको बुक्स में दिखा होगा कि एडवर्ब होता क्या है, एडवर्ब इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज एडवर्ब, एडजेक्टिव एंड वर्ब। आपको बुक्स में ये तीन ही दिखते होंगे कि एडवर्ब एक ऐसा शब्द है जो वर्ब को, एडवर्ब को और एडजेक्टिव को, इन तीन चीजों को क्वालिफाई कर सकता है। बट लेट मी टेल यू कि एडवर्ब इज वन वर्ड दैट कैन क्वालिफाई ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ स्पीच एक्सेप्ट नाउन एंड प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर जो हर एक पार्ट ऑफ स्पीच को क्वालिफाई कर सकता है उसको हम बोलते हैं एडवर्ब। ठीक है, सो इससे रिलेटेड हमें चीजें पढ़नी है, कुछ रूल्स इससे रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे। तो चलिए, एडवर्ब ऑफ, सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे बेसिक चीज क्या होती है, व्हेन, सॉरी, मोर देन वन एडवर्ब इज गिवन इन अ सेंटेंस। जब एक सेंटेंस में एक से ज्यादा एडवर्ब दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, तो क्या फॉलो करना होता है, सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद हम लगाते हैं वर्ब, उसके बाद हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम लगाते हैं मैनर, मतलब ये जो वर्ब हुआ ये कैसे हुआ, फिर हम लगाते हैं प्लेस,
कहाँ हुआ और फिर हम लगाते हैं टाइम कैसे हुआ. तो एक्चुअल में फॉलो क्या करते हैं, वी नीड टू फॉलो MPT रूल. हमें फॉलो करना होता है MPT रूल जब एक से ज्यादा एडवर्ब दिए हुए हैं तो. ठीक है, तो MPT रूल में क्या लिखा हुआ है कि मैनर M, प्लेस P और टाइम का T, ये आपको यूज करना है मैनर प्लेस टाइम इस तरह से जब सेंटेंस में एक से ज्यादा एडवर्ब दिया हुआ है तो. दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट जिसने MPT रूल बोला. देखो अब सेंटेंस लिखा हुआ है राहुल रेड, रेड नहीं लिखते पहले, राहुल यस्टरडे रेड एट होम अ बुक या फिर केयरफुली अ बुक, केयरफुली अ बुक. अब बताओ ये सेंटेंस पूरा ब्लंडर है. ठीक है, पूरा ब्लंडर है ये सेंटेंस. अब आपको बताना है कि ये सेंटेंस में कैसे सही हो सकता है. राहुल यस्टरडे रेड एट होम केयरफुली अ बुक. अब इस सेंटेंस में क्या क्या लिखा है, देखो राहुल है सब्जेक्ट है, वर्ब क्या किया रेड किया, ऑब्जेक्ट क्या है किताब को पढ़ा, मैनर कैसे केयरफुली, प्लेस कहाँ पर घर पे, टाइम कब यस्टरडे. तो अब आपको ये बताना है कैसी कंडीशन होगी. ओके, किसी कंडीशन में एडजेक्टिव एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई सकता है. एडजेक्टिव एडजेक्टिव को क्वालिफाई नहीं करता, एडजेक्टिव को एडवर्ब क्वालिफाई करता है. एडजेक्टिव एक साथ एक सेंटेंस में दो से तीन चार पांच एडजेक्टिव्स हो सकते हैं लेकिन वो एडजेक्टिव सारे के सारे यूज एक नाउन के लिए या एक प्रोनाउन के लिए ही होंगे. ठीक है, तो देखो क्या होगा, सबसे पहला हमारा सब्जेक्ट क्या है, राहुल करेक्ट है. ठीक है, तो हमने लिख दिया क्या राहुल. उसके बाद आना चाहिए वर्ब, तो वर्ब क्या है रीड, वर्ब क्या है रीड है तो हमने वर्ब लिख दिया. क्या पढ़ा उसने, तो क्या पढ़ा था किताब बुक लिख दिया. मैनर कैसे पढ़ा, ध्यान से केयरफुली लिख दिया. फिर उसके बाद प्लेस कहां पर एट होम और कब यस्टरडे. तो ये सेंटेंस का जो सीक्वेंस है वो इस तरह से इनकरेक्ट होगा और इस तरह से करेक्ट होगा जहां पर आपने क्या लिखा है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मैनर प्लेस एंड टाइम. तो जब भी एक से ज्यादा एडवर्ब आते हैं तो आप फॉलो करेंगे MPT रूल. ठीक है, आप क्या फॉलो करेंगे मेन. ठीक है, राहुल रेड अ बुक केयरफुली एट होम यस्टरडे, राहुल रेड अ बुक केयरफुली एट होम यस्टरडे. सभी ने बिल्कुल करेक्ट बताया है, आई डोंट थिंक किसी का भी कोई एरर आ रहा है. ठीक है, सबसे पहले मैनर केयरफुली, फिर उसके बाद प्लेस कहां पर एट होम, फिर उसके बाद टाइम दैट इज यस्टरडे. ठीक है, तो एक से ज्यादा अगर रूल दिया हुआ है, एक से ज्यादा अगर एडवर्ब दिया हुआ है तो हमेशा MPT रूल को ही फॉलो करोगे. ठीक, 17th रूल पे हम आते हैं, दैट सेज लॉ ऑफ इनवर्जन. ठीक है, 17th रूल पे हम आ गए हैं और यहां पर लॉ ऑफ इन्वर्जन फॉलो करना होता है. ठीक है, अब लॉ ऑफ इन्वर्जन होता क्या है, सबसे पहली चीज ये, सेंटेंस में जब भी आप किसी बेसिक स्ट्रक्चर को लिखते हो, सेंटेंस में जब भी कोई बेसिक स्ट्रक्चर होता है तो आप सभी को पता है वेन एवर वी राइट अ सेंटेंस वी नीड थ्री थिंग्स राइट. हम किसी भी सेंटेंस को अगर लिखते हैं तो हमें तीन चीजों की जरूरत पड़ती है. सबसे पहला है सब्जेक्ट, देन वी प्लेस अ वर्ब एंड देन वी प्लेस एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. लेकिन जब लॉ ऑफ इन्वर्जन फॉलो करने की बात होती है, वेन एवर वी से दैट वी नीड टू फॉलो लॉ ऑफ इन्वर्जन, व्हाट हैपेंस, दिस वर्ब इज यूज्ड बिफोर द सब्जेक्ट एंड द सब्जेक्ट गोज आफ्टर द वर्ब. सब्जेक्ट पहले से बाद में चला जाता है, वर्ब पहले आ जाता है, सब्जेक्ट उसके बाद चला जाता है, फिर वर्ब आता है और फिर ऑब्जेक्ट का यूज होता है. तो बेसिकली ये जो वर्ब होता है, ये वर्ब कौन सा होता है, This is your helping verb. और यहां पर जो verb लगता है ये आपका main verb होता है. तो जब law of inversion follow होती है तो condition sentence की ऐसी बन जाती है. ठीक है, verb plus subject, that's absolutely correct. ठीक है, तो I suppose आपको समझ में गया law of inversion होता क्या है. ठीक, अब ये follow कहाँ होता है, ये दो conditions इसकी हम बहुत important जो दो conditions हैं वो बता देते. सबसे पहले sentences beginning with adverb of frequency. अगर sentence की beginning किससे हुई है, adverb of frequency से हुई है. adverb of frequency का मतलब क्या हुआ, कोई काम कितनी बार हुआ है, never, always, once, twice, 100. अगर ये सब words लिखे हुए हैं sentence की starting में तो आप follow करेंगे law of inversion को. Sentences beginning with adverb of frequency, for example हमने लिखा never I will see his face
अगेन, नेवर आई विल सी हिज फेस अगेन. तो यहां पर आपने सेंटेंस किससे स्टार्ट किया, नेवर से, कभी नहीं. तो कितनी बार, कभी नहीं. तो क्या मतलब हुआ, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है. अब यहां क्या करेंगे, सी आपका मेन वर्ब है और विल आपका हेल्पिंग वर्ब, तो विल यहां से हटके सब्जेक्ट के पहला चला जाएगा और सेंटेंस बनेगा नेवर विल आई सी हिज फेस अगेन. ये तो कंडीशन हो गई जब आपके पास हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है. अगर हम ऐसा बोलते हैं, सेल्डम ही विजिटेड हिज पेरेंट्स, सेल्डम ही विजिटेड हिज पेरेंट्स. अब इस सेंटेंस को कैसे करेक्ट करोगे बताओ, इस सेंटेंस को कैसे करेक्ट करोगे, सेल्डम ही विजिटेड हिज पेरेंट्स. यहां पर तो हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है, यहां आपके पास हेल्पिंग वर्ब था, हियर यू हैड अ हेल्पिंग वर्ब, सो व्हाट डिड यू डू, आपने विल को उठा के सब्जेक्ट से पहले कर दिया. बट हियर वी डोंट हैव अ हेल्पिंग वर्ब, सो व्हाट विल वी डू हियर, इस सेंटेंस में हम क्या करेंगे, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी लॉ ऑफ इन्वर्जन. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लॉ ऑफ इन्वर्जन फॉलो नहीं करती है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर सेंटेंस के बिगिनिंग में दी हुई है तो लॉ ऑफ इन्वर्जन फॉलो करती है. ठीक है, ओके, आई विल नेवर सी हिज फेस अगेन. नहीं, नेवर को यही रखोगे, नेवर को कहीं नहीं लेके जाओगे, नेवर विल आई सी हिज फेस अगेन, ये करेक्ट होगा. सेल्डम डिड ही विजिट, एब्सोल्युटली करेक्ट शिवानी. तो यहां पर जब खाली मेन वर्ब दिया हुआ है, सिर्फ मेन वर्ब दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, मेन वर्ब के टेंस को उठाइए, इसके टेंस का हेल्पिंग वर्ब बनाइए, तो सेल्डम का डिड बन जाएगा जो कि पास्ट टेंस में. सेल्डम डिड ही, अब यहां पर डिड के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हो तो विजिटेड हटा दोगे. सेल्डम डिड ही विजिट हिज पेरेंट्स, सेल्डम डिड ही विजिट हिज पेरेंट्स, ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा. ठीक, इसके अलावा एक तो कंडीशन हमने आपको ये बता दी, और अगर सेंटेंस की बिगिनिंग, सेंटेंस बिगिंस With so plus adverb of manner, अगर sentence की beginning so plus adverb of manner से होती है तो वो sentence गलत नहीं है, वो sentence सही है. आपको करना क्या है, बस आपको sentence में law of inversion follow करना है. जैसे कि हमने लिखा, so nicely she represented his, sorry, her project that she was appreciated by everyone. अब बताओ इस सेंटेंस में क्या गलती है, सेंटेंस बिगिंस विथ सो प्लस एडवर्ब ऑफ मैनर, तो आप लॉ ऑफ इन्वर्जन फॉलो करेंगे. सो नाइसली शी रिप्रेजेंटेड हर प्रोजेक्ट दैट शी वॉज अप्रिशिएटेड बाई एवरी वन, इतने अच्छे से उसने अपने प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट किया कि उसको सभी के द्वारा प्रशंसा मिली थी. अब एक चीज देखो, सो नाइसली उसने क्या किया था, रिप्रेजेंट किया था, कैसे, एडवर्ब ऑफ मैनर, कैसे, नाइसली. तो सेंटेंस की बिगनिंग किससे हुई है, सो प्लस एडवर्ब ऑफ मैनर से हुई है. अब इसमें लॉ ऑफ इन्वर्जन फॉलो होना चाहिए, लेकिन सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट और वर्ब लिखा है. लॉ ऑफ इन्वर्जन फॉलो कैसे करोगे बताओ, क्या होगा इस सेंटेंस में, ओके, वेरी गुड अनु, वी कुमार, आयुषी, सबने आंसर कर दिया है, एंड दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट. आपके जो आंसर्स हैं वो बिल्कुल करेक्ट है. क्या होना चाहिए, सो नाइसली शी रिप्रेजेंटेड हर प्रोजेक्ट दैट शी वॉज अप्रिशिएटेड बाय ऑल, क्या होगा, सो नाइसली के बाद जो रिप्रेजेंटेड लिखा हुआ है, अगेन इसका वर्ब लेके चले जाएंगे, इसका टेंस लेके चले जाएंगे, और क्या करेंगे, इससे पहले लगाएंगे, तो क्या होगा, सो नाइसली डिड शी रिप्रेजेंट हर प्रोजेक्ट दैट शी वॉज अप्रिशिएटेड बाय एवरी वन. सो ये सेंटेंस आपका करेक्ट होगा कि सेंटेंस अगर बिगनिंग हो रही है सो प्लस एडवर्ब ऑफ मैनर से, तो सेंटेंस कैसे लिखोगे, सो नाइसली डिड शी रिप्रेजेंट हर प्रोजेक्ट दैट शी वॉज अप्रिशिएटेड बाय एवरी वन, नाइसली इज करेक्ट. ठीक है, डिड शी रिप्रेजेंट, डिड लगाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, रिप्रेजेंटेड नहीं लिखोगे. ठीक है, चलो आई सपोज यहां तक आपको क्लियर हो चुका है. येस ऑफकोर्स अजय, अगर आप सो सेंटेंस पे लगाते हैं तो आपको आगे आपको दैट का यूज करना पड़ेगा. दैट इज अगेन वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये एक और चीज है जो काफी इंपॉर्टेंट है कि जब आप सो का यूज करते हो सेंटेंस में, तो यू कैन नॉट से शी सो ब्यूटिफुल. आप अगर सेंटेंस में ये सोचते हो, आप ये कह दोगे शी सो ब्यूटिफुल, तो ये सेंटेंस गलत है. आप अगर सो लिखते हो तो उसका मतलब होता है शी सो ब्यूटिफुल, इतनी सुंदर है. इतनी सुंदर का मतलब क्या होता है, कितनी सुंदर है. इतनी लिखोगे, सो लिखोगे तो क्वेश्चन मार्क बन जाएगा कितनी. तो इस क्वेश्चन मार्क को आंसर करने के लिए आपको लिखना पड़ता है शी सो ब्यूटिफुल दैट शी विल नॉट एंटरटेन यू. वो इतनी सुंदर है कि तुमको घास नहीं डालेगी. तो जबरदस्ती टाइम वेस्ट करने से मतलब नहीं है ना.
सो जब भी सो का यूज करेंगे तो आप दैट का यूज करेंगे उसके साथ. लेकिन अगर सो कंजंक्शन के जैसे यूज हुआ है तो फिर आप उसके साथ दैट का यूज नहीं करते. सो रीजन बताने के लिए भी यूज होता है. अगर ऐसी कंडीशन यूज होती है तो आप वहां पर दैट का यूज नहीं करोगे. ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कंडीशन की तरफ. दिस इज रिलेटेड टू प्रेपोजिशन. ठीक है, अब जो हमारी अगली कंडीशन है दैट इज रिलेटेड टू प्रेपोजिशन. प्रेपोजिशन क्या होते हैं? वो शब्द जो नाउन प्रोनाउन, वो शब्द जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच का रिलेशन बताते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने बोला द मैन इज अंडर द ट्री, तो हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ? मैन. ऑब्जेक्ट क्या हुआ? ट्री. अब मैन और ट्री के बीच में क्या रिलेशन है? पोजिशन का रिलेशन है कि वो दोनों क्या पोजिशन होल्ड कर रहे हैं. मैन जो है वो ट्री के नीचे है. सो दिस इज वॉट वी से कि प्रेपोजिशन क्या होता है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच का रिलेशन डिफाइन करने का काम प्रेपोजिशन करता है. ठीक है, तो चलिए दो रूल्स हैं जो प्रेपोजिशन से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एक चीज हम बता देते हैं, अगर हम सेंटेंस लिखते हैं कैसा, अगर हमने सपोज करो सेंटेंस की बिगिनिंग में प्रेपोजिशन यूज हो सकता है, हो सकता है. हम बिसाइड्स का यूज करते हैं, हम ऑफ का यूज करते हैं, हम विच का यूज करते हैं, ये सब प्रेपोजिशंस हैं, है ना. तो इन सब का सेंटेंस में आप बिगिनिंग में यूज कर सकते हो प्रेपोजिशन का. उसके बाद अगर सेंटेंस में आप ये कहते हो कि सेंटेंस की बीच इन बिटवीन, क्या आप सेंटेंस में प्रेपोजिशन का यूज कर सकते हो? ऑफकोर्स आप बीच में भी सेंटेंस के क्या यूज कर सकते हो? प्रेपोजिशन. अंडर, एट, ऑन, ये सब आप बीच में तो यूज करते हैं, राइट. उसके अलावा क्या आप सेंटेंस की यूज लास्ट में कर सकते हो? प्रेपोजिशन का यूज लास्ट में कर सकते हैं सेंटेंस के? क्या सेंटेंस का यूज, सेंटेंस में प्रेपोजिशन का यूज लास्ट में हो सकता है? ये क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ क्विकली, जल्दी से बताओ. येस वी यूज इट इन बिगनिंग. बिगनिंग में यूज हो सकता है, मिडिल में यूज हो सकता है, क्या लास्ट में यूज हो सकता है? ओके, जल्दी से बताओ, क्या लास्ट में यूज हो सकता है? ऑफकोर्स हो सकता है. कैसे हो सकता है? लेट मी टेल यू दिस थिंग. कैसे हो सकता है, हमें यह चीज बतानी चाहिए. जब भी सेंटेंस में आप सब्जेक्ट का यूज करते हो, सब्जेक्ट के बाद आपके पास वर्ब आता है, ठीक है, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट. लेकिन ये वर्ब किससे रिलेटेड होता है? ये वर्ब ऑब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, ये वर्ब सब्जेक्ट का होता है. उसके बाद आप जब ऑब्जेक्ट लगाते हो तो जनरली आपका सेंटेंस यही करेक्ट हो जाता है, यही खत्म हो जाता है, राइट. लेकिन आप सपोज करो कि ऑब्जेक्ट के बाद भी एक वर्ब दिया हुआ है, और अगर ये वर्ब ऑब्जेक्ट के लिए दिया हुआ है तो यहां पर आपको प्रेपोजिशन लास्ट में लगानी ही पड़ेगी. फॉर एग्जाम्पल, हमने बोला आई गेव हिम अ पेन टू राइट. अब यहां पर आई आया, आई ने क्या काम किया? गिव करने का. सब्जेक्ट का वर्ब क्या है? गिव, गिव करने का, ठीक है. फिर ऑब्जेक्ट कौन है? हिम और पेन. अब आपका जो टू राइट, राइट कौन करेगा? पेन. किससे करोगे? पेन से. तो राइट जो वर्ब आया है ये पेन के लिए आया, राइट जो वर्ब आया ये ऑब्जेक्ट के लिए आया है, और यहां पर आपको लगाना पड़ेगा अ पेन टू राइट विद, राइट. सिमिलरली अगर हम लिखे आई गेव हिम अ पेपर टू राइट, अब पेपर से तो लिखोगे नहीं. अगेन यहां पर जो टू राइट आया है किसके लिए आया है? अ पेपर के लिए आया है. तो क्या होगा? अ पेपर टू राइट ऑन का यूज करेंगे. सिमिलरली अगर सेंटेंस में हमें लिखना है, सपोज करो क्या, अगर हमें सेंटेंस में लिखना है दिस इज द बेस्ट प्लेस टू लिव, तो क्या ये सेंटेंस सही है? दिस इज द बेस्ट प्लेस टू लिव. यहां पर क्या लिखा हुआ है? प्लेस है, टू लिव. तो यहां क्या लगेगा? दिस इज द बेस्ट प्लेस टू लिव डैश. ओके, जल्दी से बताओ ये क्या कंडीशन है, और उसी के साथ में दूसरी कंडीशन बताऊंगी जहां पर प्रेपोजिशन लास्ट में और कैसे यूज होता है. वेयर आर यू लुकिंग, ठीक है, ऑन लास्ट में क्या यूज होगा बताओ? दिस इज द बेस्ट प्लेस टू लिव डैश, क्या होगा? लिव ऑन, जगह पे रहोगे. लिव इन, लिव इन. ओके, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट. जब हम लिव लगाते हैं तो जगह में रहेंगे, और यहां पर लगेगा क्या? इन. और सेंटेंस के लास्ट में भी प्रपोजिशन का यूज हो सकता है. सेंटेंस कैसा होगा? आई गेव हिम अ पेन टू राइट विद, आई गेव हिम अ पेपर टू राइट ऑन, दिस इज द बेस्ट प्लेस टू लिव इन. एक कंडीशन हो गई. दूसरा प्रपोजिशन कहां यूज हो सकता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में. ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी आप प्रेपोजिशन को लास्ट में यूज कर सकते हैं.
प्रेपोजिशन को लास्ट में यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा व्हाट आर यू सर्चिंग, अगर आप ऐसा लिखते हैं तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा. आप क्या लिखेंगे, व्हाट आर यू सर्चिंग, फॉर का यूज करेंगे. ठीक है, आप क्या देख रहे हो, व्हाट आर यू लुकिंग नहीं होता, व्हाट आर यू लुकिंग एट का यूज करेंगे. ठीक है, whom, who are you talking, who are you talking नहीं होगा, who are you talking to, who are you talking with, who are you talking about, ऐसा कुछ यूज कर सकते हैं. राइट, to या about का यूज करेंगे जब हमें लिखना है क्या, who are you talking to या who are you talking about, किसके बारे में बात कर रहे हो या किससे बात कर रहे हो. तो दो कंडीशन हो गई, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया है, वर्ब दिया, ऑब्जेक्ट का भी वर्ब दिया है तो प्रेपोजिशन लगाओगे, अदरवाइज अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लास्ट में क्या आ रहा है, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आ रहा है तो इसके लास्ट में आपको एक प्रेपोजिशन लगाना पड़ेगा. अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, अगर क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में लास्ट में आईएनजी फॉर्म आ रहा है तो इसके बाद आपको प्रेपोजिशन का यूज करना पड़ेगा. ठीक है, इतनी चीज आई सपोज क्लियर है. ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं हम प्रेपोजिशन से ही रिलेटेड एक और कंडीशन पे, एंड लेट्स सी व्हाट डू वी हैव देयर. चलो, प्रेपोजिशन से रिलेटेड एक और कंडीशन है क्या, कि अगर आपके पास कभी भी वर्ब दिया हुआ है या फिर वर्ब क्या बोले, अगर सपोज करो आपके पास प्रेपोजिशन ही दिया हुआ है, ठीक है, एंड दिस प्रेपोजिशन इज एक्सेप्ट टू, टू के अलावा की बात कर रहे हैं हम, टू इसमें इन्वॉल्व नहीं है, टू इसमें एसोसिएटेड नहीं है. ठीक है, क्या कह रहे हैं, अगर प्रेपोजिशन दिया है और अगर प्रेपोजिशन के बाद वर्ब है तो ये वर्ब कौन से फॉर्म में होगा, ये वर्ब हमेशा आईएनजी फॉर्म में ही लिखोगे. ठीक है, इसकी कई सारी कंडीशंस हमने ऑलरेडी पढ़ी भी हुई हैं. क्या कह रहे हैं, प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद अगर वर्ब दिया हुआ है तो ये आईएनजी फॉर्म में ही यूज होगा. ठीक है, नेक्स्ट देखो, लास्ट कंडीशन है एक आपकी किस चीज की, कंजंक्शन की, और ये कंजंक्शन की कंडीशन आपसे क्या कहती है कि आप सेम पार्ट ऑफ स्पीच विल बी यूज्ड with correlative conjunction. Correlative conjunctions कौन से होते हैं, जो pair में use होते हैं, not only but also, या फिर either or, neither nor, ये सब जो है, although, yet, indeed, but, इन सब के साथ आप जो conjunction use करोगे या फिर जो भी part of speech use करोगे वो same होनी चाहिए. अगर neither nor के बाद noun है, neither के बाद noun है तो nor के बाद भी noun होगा, either के बाद verb है तो or के बाद भी verb होगा. For example देखो, sentence हमने लिखा क्या, Not only dams save water, but also produce electricity. Not only dams save water, but also produce electricity. तो इसमें गलत क्या हो जाएगा बताओ. Okay. इसमें क्या गलत हो जाएगा, अब आपने लगाया नॉट ओनली बट ऑल्सो, जो कि है कोरिलेटिव कंजंक्शन. हमने कहा सेम पार्ट ऑफ स्पीच लगनी चाहिए दोनों के बाद. नॉट ओनली के बाद आपने लगाया डैम्स, डैम्स क्या होते हैं, नाउन, और बट ऑल्सो के बाद आपने लगाया प्रोड्यूस, प्रोड्यूस क्या होता है, वर्ब. तो यहां पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गई, गलत. हमें क्या लगाना है, दोनों के बाद वर्ब आना चाहिए. तो क्या करेंगे, डैम्स को यहां से हटा के नॉट ओनली से अगर पहले लगा देंगे तो क्या बनेगा, डैम्स नॉट ओनली सेव. अब यहां पर क्या हो गया, ये भी वर्ब हो गया, आपने यहां से डैम्स को हटा दिया तो सेंटेंस क्या बना, डैम्स नॉट ओनली सेव वाटर बट ऑल्सो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, तो क्या मतलब हुआ, डैम्स के बाद आपने नॉट ओनली, नॉट ओनली के बाद वर्ब करेक्ट, बट ऑल्सो के बाद वर्ब करेक्ट. तो इस तरह का सेंटेंस आप जब भी देखेंगे कि जहां पर दो कोरिलेटिव कंजंक्शन यूज हुए हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शन यूज हुए हैं, पेयर में यूज होने वाले यूज हुए हैं, तो दोनों की पार्ट ऑफ स्पीच सेम होनी चाहिए. अगर यहाँ वर्ब है तो वहां भी वर्ब होगा, अगर यहाँ नाउन है तो वहां पर भी नाउन का ही यूज होगा. ठीक है, ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो. आई होप यू गॉट योर थिंग्स सॉर्टेड. अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आई है तो आप कॉमेंट बॉक्स में यहाँ पर पोस्ट कर सकते हो.
अभी तक आई सपोज जितनी भी चीजें आपको पढ़ाई वो सारी आपको क्लियर है, 20 मस्ट नो रूल्स थे, इन रूल्स को अच्छे से दिमाग में बैठा लो, अच्छे से दिमाग में समझ लो, जो चीज़ नहीं समझ में आती है यू कैन ऑलवेज आस्क दैट. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी, कीप वॉचिंग अड्डा 247, द नेक्स्ट शो इज ऑनलाइन.